एंटीज के बारे में देखने वाले हैं। उसके पहले तो हम एंटी एजिंग के बारे में बोलने वाले हैं और एंटी एजिंग का मतलब क्या है। और वेरी सिंपली अगर हम देखते हैं तो एंटी एजिंग का मतलब है कि अगर हम अपना सिंपली फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों को जब हम देखते हैं, हमें जब देखने में उनको देखने से ऐसे लगता है कि उनका जो सबको सुनाई दे रहे, पहले सुनाई दे रहे जी सर, थैंक यू। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंटली अगर हम देखते हैं कि वेरी सिंपली अगर कुछ लोगों को हम देखते हैं, कुछ लोग 40 साल के होते हैं लेकिन देखने में 60 साल लगते हैं। ऐसे किसी को देखा है? बहुत सारे लोगों को आपने ऐसे देखा होगा। और ऊपर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ऐसे भी कुछ देखा होगा कि कुछ लोगों को एज अगर देखते हैं कि 25-30 है, सॉरी 50 है लेकिन देखने में 30 दिखते हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं। तो इसको बोलते हैं मतलब उनका बॉडी में वो जो एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो होता है कुछ लोगों में, कुछ लोगों में एजिंग प्रोसेस जो है थोड़ा फास्ट होता है। और ये एजिंग एंटी एजिंग के कॉम्बिनेशन सभी डॉक्टर आपको बताने वाले हैं। और ऊपर से वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम देखते हैं अपना, वेरी वेरी सिंपल बात क्या है, बात ऐसा है कि अगर आप एंटी ऑक्सीडेंट अगर आप ज्यादा लेते हो आपका बॉडी में क्या होता है, आपका ये सेल्स डैमेज जो है वो कम होगा। बेसिक से आते हैं हम, थोड़ा बहुत आपको मैं आज अभी एक्सप्लेन करूंगा। इफ यू सी लाइक अभी क्या होता है, बॉडी अपना बॉडी जो है पूरा सेल से बना हुआ है, मतलब जीवकोश बोलते हैं हिंदी में, करेक्ट? तो जीवकोश बोलते हैं। जीवकोश में क्या होता है, मतलब जीवकोश जो है मतलब देयर आर लाइक बिलियंस एंड ट्रिलियंस, 120 बिलियंस ऑफ सेल्स अपने बॉडी में है। तो ये सेल में क्या होता है, जब हम कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, बात करते हैं, इवन जब हम श्वास लेते हैं, मतलब इवन व्हेन वी ब्रीथ, अपने बॉडी में क्या होता है, बॉडी में कुछ सेल्स डैमेज होता है। डैमेज होने से क्या होता है, जो डैमेज्ड सेल है उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल का काम क्या है, अगर आप देखते हो बहुत सारे मतलब से अभी 100 सेल्स हैं, ब्लॉक में, तो अभी क्या होगा, अगर ये इधर से एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑटोमेटिकली ये जो है ठीक हो जा सकता है, मतलब ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये जाके इससे छीनने के लिए देखेगा, ये सेल जो है उसे पता है अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा ये भी एग्जिस्टेंस में चले जाएगा, मतलब डैमेज हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये भी नहीं छोड़ेगा और ये भी नहीं छोड़ेगा, दोनों खींच के इसका भी इलेक्ट्रॉन डैमेज हो जाएगा। अब एक डैमेज था, अभी 2 डैमेज हो गया। अब ये दोनों क्या करेंगे, थोड़ा देर के बाद में और 2 सेल के जाग में उसमें से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक सेल जो डैमेज था वो 2 हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, देन इट कीप्स कंटिन्यूइंग 6, 16, 32, 64, ऐसे सेल डैमेजेस रैप मतलब अपना बॉडी में ज्यादा होते रहता है। और सेल्स अगर हम सेल्स देखते हैं, ये समझिए एक सेल है, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या होता है बॉडी में, टिश्यू बनता है। टिश्यू का मतलब क्या है, अगर आप
किसी को स्किन छोटा सा निकल रहा है आपके हाथ से, अगर आप उसे निकाल दिया, छोटा सा टिश्यू है, ये जो टिश्यू है ये बहुत सारे सेल्स मिलके जुड़ के वो टिश्यू बना है। तो ये टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या होता है, कुछ भी ऑर्गन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं अपना जो है ये हाथ, ये बहुत टिश्यू मिलके बना है और इसका एक शेप है, मतलब ऐसे ऐसे लॉन्ग लॉन्ग उंगली है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, हाथ बोलते हैं, हैंड फिंगर्स ऐसे बोलते हैं। सब अपना बॉडी में जो है वो सेल से ही बना है, जो भी हो, आपका नाक हो, आंख हो, मुंह हो, सर हो, ब्रेन हो, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, बोन्स, थ्रोट, सब, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कान, सब जो है सेल से बनता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपका बॉडी में आपने सेल को अच्छा तरह से देखभाल कर लिया तो आपका पूरा हेल्थ जो है वो ठीक रह सकता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आप ये एंटी एजिंग प्रोसेस में वेरी इंपॉर्टेंट जो है सेल डैमेज में ही हम टारगेट करते हैं। और आपने ये सब सुना होगा, सेल रिजुविनेशन, सेल रिपेयर, और क्या बोलते, आजकल बहुत सारे ऐसे भी कुछ आते हैं कि सीरम्स आते हैं फेस के लिए, तो अगर आप फेस पे डाल के अगर देख लेते हो तो आपको स्किन जो है करिश्मा कपूर या करीना कपूर ऐसे हो जाता है, मतलब शाइनिंग आता है उसमें, शाइनिंग आता है। तो इसमें बोलते हैं कि आपका सेल्स को वो रिजुविनेट रिपेयर करता है। रिजुविनेट का मतलब है ऑलरेडी सेल्स है लेकिन डैमेज है, अगर उसको हम ठीक करते हैं तो इसके लिए बोलते हैं रिजुविनेटिंग, स्किन रिजुविनेटिंग बोलते हैं। तो ऐसे स्किन रिजुविनेशन में हमने क्या प्रॉब्लम, वो प्रोडक्ट है आपको बताया, स्किन रिजुविनेशन लोशन जो है अपना, वो वेरी वेरी नंबर वन प्रोडक्ट है। अगर आपको स्किन आपका बहुत डल है, मतलब आपके एज आपका, आप कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आप आपका क्लासमेट को मिल रहे हो कहीं पे मार्केट में, या बहुत साल के बाद में आपने आप कहीं हो गए हो टूर पे, वहां देखा तो आपका फ्रेंड वहां के आपसे बात कर रहा है या बात कर रही है, तो उनको और आपको देखने में आपको ऐसे लगता है कि आप बूढ़ा लग रहे हो उनके उनके आगे, आप सेम क्लास हो, सेम एज है आपका, इतना फर्क नहीं रहता है, मतलब थ्री मंथ सिक्स मंथ ऐसे फर्क रहता है मोस्टली क्लासमेट्स के अंदर अंदर। तो आपको देखने में आपको खुद को पता है कि मैं अभी 5 साल बूढ़ा लग रहा हूं उससे, ऐसे कभी हुआ है क्या, होता है बहुत सारे बार। तो इसका मतलब है आपका बॉडी में जो सेल्स है उसका आप देखभाल ठीक तरह से नहीं कर रहे। और आप आजकल आप देख सकते हो कि यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग है, वो बोलते हैं मैं 55 हूं, 60 हूं, लेकिन सिक्स पैक रख के घूमते हैं। देखा ऐसे कुछ लेडीज, हाँ लेडीज सिक्स पैक्स रखते हैं, कैसे, बिकॉज उनका जो सेल्स है उनका सेल्स को जो चाहिए, अगर आप लेते हो आपका बॉडी में सेल नरिशमेंट होगा, मतलब आपको सेल को जो भी चीजें चाहिए अगर आप रोज लेते हो तो आपका बॉडी में जो है पूरा सेल्स नरिश होगा। अगर पूरा सेल्स नरिश होता है तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्स अच्छा रहेगा। तो इसे बोलते हैं एंटी एजिंग। एंटी एजिंग का मतलब खाली आपका फेस में नहीं, आपका पूरा बॉडी में रहता है, तो इसे बोलते हैं एंटी एजिंग। ओके, लेट्स कम बैक टू दी, वो सेल टिश्यू और ऑर्गन्स में आता है। और अभी टिश्यू में अगर आपको सेल में डैमेज होता है तो वहां से ऑटोमेटिकली टिश्यू में डैमेज होता है, और टिश्यू में डैमेज होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है आपको ऑर्गन्स में डैमेज होता है, मतलब हाथ में हो गया तो इसे क्या बोलते हैं हम, एक ऑर्गन है ये हैंड, अगर आपका लंग्स लीवर कहीं भी डैमेज हो गया तो वो एक ऑर्गन है, तो वो ऑर्गन डैमेज होता है, तो वो ऑर्गन डैमेज होता है तो हमें क्या होता है, हमें बीमारी होता है, बीमारी डिजीज, बीमारी, वो बीमारी का मतलब फीवर नहीं है, डिजीज हो जाता है। तो ये जो है डिजीज, वो डिजीज का वजह है सेल डैमेज। तो अपना प्रोडक्ट्स, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो क्या करते हैं, अपना अंदर जाके जो भी सेल डैमेज है वो सेल पे जाके काम करता है। जैसे हम हर बार बोलते रहते हैं अपना प्रोडक्ट जो है रूट कॉज पे काम करता है। रूट कॉज, रूट कॉज का मतलब क्या है, रूट कॉज का मतलब है वो जो डिजीज कहां से निकला, बेसिक यूनिट वो कहां है, वहां जाके अपना प्रोडक्ट काम करेगा। लेकिन एलोपैथी जो है, मॉडर्न मेडिसिन जो आज मेडिकल शॉप्स में सभी बहुत सारे मेडिसिन भेजे, वो कैसे काम करता है अगर हम देखते हैं तो ऊपर काम करते, सिम्टम्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी को आपको
अभी अभी सब जगह बारिश हो रहा है, कोल्ड है, सर्दी का मौसम है, आप बाहर जा रहे हो, आप कुछ कुछ पानी पिया, बहुत कोल्ड था या रात को बोतल में रखा था, सुबह आपने ऐसे ही पी लिया, कोल्ड था पानी, आपको थोड़ा बहुत कॉफ जैसे आ रहा है अभी, तो आपको कॉफ जैसे आ रहा है, तो इसके इससे क्या हो रहा है, आपको कॉफ आ रहा है, तो अब ना आपने को क्या करना है, अब सोचिए कि अगर आपको जो कॉफ अंदर, मतलब आपको जो फ्लम बोलते हैं उसको इंग्लिश में, फ्लम जो है मतलब जब करते हैं वो आता है ना, वो आपको अंदर से है, उसे ठीक करना है आपको, या ये कॉफ जो है वो बंद करना है, क्या बंद करना है, अंदर से जो फ्लम है उसे पूरा बाहर निकालना है, अगर वो पूरा बाहर निकल जाता है तो आपको कॉफ नहीं आएगा, कॉफ अच्छा है कि गलत है, कॉफ अच्छा है, क्यों, कॉफ क्या कर रहा है, आपके अंदर जो भी फ्लम है वो बाहर निकालने का कोशिश कर रहा है, ये नेचुरल इम्यूनिटी प्रोसेस है, लेकिन हम क्या करेंगे, कॉफ के लिए गोली लेके हम उसको कॉफ को बंद कर देंगे, मतलब आपके अंदर जो भी फ्लम था वो अंदर ही है, तो ये जो है वो पूछे सिम्टम्स क्या है, ओके आपको खांसी हो रहा है, नाक से पानी आ रहा है, ओके और क्या हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो सब सिम्टम्स क्लियर करते हो, लेकिन अपना ऐसा नहीं है, रूट कॉज पे जाके काम करके और रूट में जो सेल में डैमेज है उसे हम ठीक करते हैं, तो ये बात है, तो ऐसा करने से हमें क्या होता है, अगर वो सेल ठीक होता है वहां पे तो ऑटोमेटिकली वहां क्या होता है, अपना टिश्यूज ठीक होता है, अगर टिश्यूज ठीक होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपको अपना बॉडी में ऑर्गन्स जो है वो ठीक होता है, तो अगर ऑटोमेटिकली ऑर्गन्स ठीक होता है तो आपका जो भी प्रॉब्लम था वो आपको ठीक हो जाएगा, तो ऐसे ही अपना प्रोडक्ट्स काम करते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई पूछता है अरे आप क्या बोल रहे हो, जैसे शेखर से वो अभी कल पूछ रहे थे, सर एलोपैथी ड्रग्स में केमिकल्स है, तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन बोल रहे हो क्या, आपने भी ऐसे ही क्या, नहीं आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है ये एक्सट्रैक्ट डाल के हमने, नेचुरल एक्सट्रैक्ट डाल के हमने बनाया है, तो ये क्या करता है, रूट कॉज पे जाके काम करता है, सप्लीमेंट्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या फर्क है, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो दिन में दो गोली के ऊपर नहीं लेना है, मैक्सिमम 2 टैबलेट्स पर डे, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इट इज मेड एज पर एपीआई, आयुर्वेदा फार्माकोपिया ऑफ इंडिया ऐसे कुछ बुक है, उसके अनुसार पर हम ये मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन सप्लीमेंट जो है वो सप्लीमेंट्स है, आप 6 चाहिए 10 चाहिए खा सकते हो, जैसे घर में हम अगर आम पसंद है तो आम खा लेते हैं, सेब पसंद है तो सेब खा लेते हैं, तो जैसे सप्लीमेंट्स सप्लीमेंट्स है, तो उसमें डोसेज का कुछ फर्क नहीं है, और एंटी एजिंग, एंटी एजिंग के लिए बहुत सारे चीजों आप कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है, और सेल डैमेज की वजह से क्या क्या होता है, सब डिजीजेस, अब मतलब लेट मी फिनिश दिस, बाद में उसमें आता हूँ मैं, अब योगा कर सकते हो, अगर योगा करना चाहते हो, सिरिसना ऐसे कुछ सुना है कभी, सिरिसना मतलब आप ऐसे हो तो आपको ऐसे खड़ा होना पड़ेगा, इसको सिरिसना बोलते हैं, आपको सर नीचे रख के पैर ऊपर, तो वो अभी वो अर्थक्वेक के टाइम ऐसे होता है सर, बाद में नहीं होता है ऐसे नहीं, आपको खुद को ऐसे ट्राई करने से आप खड़े हो सकते हैं, अगर आप ऐसे कर रहे हो आपको ब्रेन में ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा और आपका ब्रेन जो है बहुत एक्टिव हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे योगास, बहुत सारे हैं योगास, एक्सरसाइज, वॉकिंग, एरोबिक्स, साइकिलिंग, ऐसे बहुत सारे, आई वोक अप वेरी अर्लियर, तो ऊपर से एवरीडे वी आर रनिंग, तो आई एम फीलिंग टायर्ड, थोड़ा देर होगा वो ठीक होने में, इट्स ओके, यॉर्निंग से क्या होता है कुछ नहीं है, अब ब्रेन को ऑक्सीजन जा रहा है बस, और वेरी इंपॉर्टेंट है कि सब डिजीज होने का एक ही वजह है, वो है सेल डैमेज, जो भी डिजीज हो, डायबिटीज हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, नी पेन हो, बैक पेन हो, नेक पेन हो, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नाक में भी प्रॉब्लम है, आस्थमा, वीजिंग है, या आपका मतलब आपका क्या बोले रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म काउंट कम हो रहा है, या फीमेल्स को उनका ट्यूमर्स है, सिस्ट है, या पीरियड्स जो उनका हो रहा है मतलब 10 दिन 20 दिन के ऊपर जा हो रहा है, या उनका पीरियड्स ठीक से नहीं हो रहा है, इस आंख आपका ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, आपका बाल झड़ रहे हैं, स्किन में प्रॉब्लम हो रहा है, और क्या है, सब का वजह एक ही है, आपका बॉडी में सेल डैमेज हो रहा है,
अगर आप सेल डैमेज को ठीक कर लेते हैं तो आपका बॉडी में पूरा के पूरा, मेरे अनुसार अकॉर्डिंग टू मी बोल रहा हूं, आपके बॉडी में पूरा के पूरा जो भी डिजीज है, कुछ भी हो जाए, इस प्रपंच में कुछ भी डिजीज हो आपको, आप उसे ठीक कर सकते हो। तो उसके लिए टोटल एंटीऑक्सीडेंट इज वन सच प्रोडक्ट, और अपना सेवन वंडर्स उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है। और अपना स्किन में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप स्किन रेजुविनेशन लोशन यूज कर सकते हो, और क्या है या और बहुत सारे विटामिन सी के लेमन ऑरेंज ऐसे लेने से इम्यूनिटी पावर जो है अपना बॉडी में ज्यादा होता है। और ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन अभी आपको डॉक्टर आके आपको बताने वाले हैं। इट्स ऑलरेडी टाइम आई थिंक ही इज हियर, लेट मी चेक। ओके ओके, वो अभी आए नहीं है, तो मैक्सिमम 3 to 4 minutes he'll be joining us। और ऊपर से वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आपको प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ डाउट्स है, एज समवन आपके अप्लाइंस जो बहुत एक्सपीरियंस है उनको पूछने के बाद आप प्रोडक्ट रेकमेंड करो। और ऊपर से वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप क्लियरली उनको पूछना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट रेकमेंडेशन के पहले आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, कब से है, क्यों हो रहा है, और उसका एक दो साथ अगर कुछ होता है तो उसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। ऐसे सब करेक्ट अगर हम देते हैं तो बहुत, मैं बोल रहा हूं अगर आप प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करेक्ट दे रहे हो तो इसका मतलब है आपके टीम में बहुत सारे लोग जुड़ने वाले, बहुत, एक दो नहीं बहुत सारे लोग। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉम्बिनेशन आप दे रहे हो बहुत अच्छा काम करता है, तो इसका मतलब है बहुत सारे लोगों को आप बीमारी ठीक कर रहे हो और वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे या आपको रेफरेंस देंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यस, और क्या है, आप हर रोज जैसे हम बोलते रहते हैं कि एवरी डे आपको मिनिमम एक लोग से आपको अपना प्रोडक्ट के बारे में या प्लान के बारे में आपको जरूर बताना है। अगर आप ऐसे करते आते हैं तो जैसे हम, मैं मोस्टली कहता रहता हूँ, डूइंग एंड नोइंग आर डिफरेंट थिंग्स। नोइंग जो है वहां मैं जानता हूँ ओके है, लेकिन डूइंग जो है वो डिफरेंट है। मतलब आप जानते हो लेकिन आप नहीं करते हो। सबको पता है होम मीटिंग्स करना है, सबके साथ बात करने से मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नहीं करते हैं। अगर आप भी ऐसे कर रहे हो तो आपका भी ग्रोथ जो है अफेक्ट हो सकता है। और ऊपर से अगर आप हर रोज एक आदमी से बात कर रहे हो और आपके टीम में जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो भी हर दिन किसी से अपना प्रोडक्ट या प्लान के बारे में बोलते रहते हैं तो नेक्स्ट पोजिशन पे जाते रहेंगे। और ऊपर से उड़ीसा में लदानी जो जगह है वहां अभी कल से नया स्टॉक पॉइंट आया है वहां पे, और कुछ लोग अगर आप वहां से प्रोडक्ट लेना चाहते हो, आप आसपास में हो बिहार में, तो वहां से आप प्रोडक्ट ले सकते हो। और उड़ीसा में भी भुवनेश्वर में एक स्टेट स्टॉक पॉइंट खुला है, अभी लॉकडाउन के टाइम पे खुला है। और अगर कोई स्टॉक पॉइंट लेना चाहता है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ओके, डिस्ट्रिक्ट स्टॉक पॉइंट, मोबाइल स्टॉक पॉइंट, स्टेट स्टॉक पॉइंट, कंट्री स्टॉक पॉइंट भी ले सकते हो। कंट्री स्टॉक पॉइंट का मतलब है अभी हम सिंगापुर में हैं कि नहीं। हेलो, सबको सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? सिंगापुर में हम हैं कि नहीं? सिंगापुर जो है कंट्री, वहां हम बिजनेस करते हैं नहीं करते हैं? नहीं, वहां नहीं है। अगर कोई आप वहां का कंट्री स्टॉकिस्ट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, इट्स पॉसिबल। तो मतलब पूरा सिंगापुर में जो भी बिजनेस होगा वो आपके नीचे रहेगा, सेल्स टीम नहीं, सेल्स जो होता है वो आपके नीचे रहेगा। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हम ऑलरेडी दे रहे हैं, नॉट ओनली सिंगापुर, जो भी कंट्री हो जाए, आप कहीं भी हो तो आपको क्या, आप कंट्री शॉप बेच भी ले सकते हो। यस, क्या हुआ, वी आर वेटिंग फॉर द डॉक्टर। डॉक्टर नहीं क्या? तो ये रहा अपना वो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, एंटी एजिंग के बारे में। और वेरी इंपॉर्टेंटली एंटी एजिंग की वजह से अगर आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों को वो घर पे आई हुई लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग उनका जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो थोड़ा कम कर दिए हैं,
और इसके वजह से भी एजिंग ज्यादा हो रहा है, ऐसे भी देर से स्टैटिस्टिक से निकाला है। और सर भाई अब पूरा आपको एक्सप्लेन करके इज ऑलरेडी देयर, प्लीज वेलकम आवर डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती। Thank you, sir. Thank you. No, I did something wrong. Okay. I stopped the video. Yeah. Yes. Yeah, done. Thank you. Namaskar, namaskar. Good morning. Thank you so much, Manoj sir. Thank you. Very good. Because of no activities nowadays at home, so the aging activity has increased. No activity outside, aging activity inside. Kuch aise ho gaya. And the calculation become like this. It's very correct. A lot of research studies are showing during lockdown, people started looking more old. तो आप सबको नमस्कार, हार्दिक स्वागत, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय मेरे प्यारे सब दोस्तों को एंड दोस्तों को, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय दोस्तों एंड दोस्तों, राइट? क्या दोस्तों एंड दोस्तों नहीं है क्या, दोस्तों एंड दुश्मन हो? मुझे तो दोस्तों एंड दोस्तों ही बोलना है, राइट? सो थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, एंटी एजिंग। शायद आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे, कुछ लोग मेरा पोस्ट देखा होगा, मैंने टेलीग्राम में अराउंड हाफ एन आवर पहले 10:30 बजे पोस्ट डाला था एंटी एजिंग। लोग पूछते हैं सर एंटी एजिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बोले, एंटी एजिंग का कॉम्बिनेशन बोलिए। सबसे पहले चलिए जानते हैं आज एंटी एजिंग का मेन प्रॉब्लम है क्या, एंटी एजिंग क्या क्या कारणों की वजह से होता है, व्हाट कुड बी द रीजन। यस या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड टू सी यू ऑल एज वेल। सो एंटी एजिंग मतलब एजिंग किस कारण से होता है, तब एंटी एजिंग समझ में आएगा। सी एजिंग मीन्स बुढ़ापा ना, वो बुढ़ापा बाहर से दिखता है, चमड़ी लटक गया, बाल सफेद हो गया, रिस्ट के यहाँ पे मतलब हैंड के यहाँ पे यू नो झुरिया पड़ गया, दैट इज व्हाट इज पीपल्स डेफिनेशन ऑफ एजिंग, यू नो। बट द एजिंग एक्चुअली हैपेंस फ्रॉम इनसाइड, अंदर से होता है, उसके बाद वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है। बोलते ना एक होता है अंदर दिखता है बाहर, हाथी के दांत खाने के दिखाने के दूसरा, आपको पता ही है शायद। सेम वे एजिंग होने का जगह एक और दिखने का जगह दूसरा। सो व्हाट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड is actually all, it's happened inside and after some time it's reflected on the outside. So jaise maine post mein dala tha, if somebody can share my post, I just put it, agar main jaunga telegram mein mobile hang ho jata hai, somebody can share my copy paste and put this post and share my channel link also. So jo logon ne post ko nahi dekha hoga wo log bhi post ko par jab main explain kar raha hu par sakte hain, and then you will understand ki What is the combination? लोग पूछ रहे हैं ना सर बेस्ट एंटी एजिंग कॉम्बिनेशन बोलिए ताकि सबको दे सके। तो सबको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि एंटी एजिंग कॉम्बिनेशन क्यों चाहिए, मतलब एंटी एजिंग को जो कॉम्बिनेशन ओरिएंट से हम लोग दे रहे हैं, ये बहुत दिमाग से निकाला हुआ है और बहुत कारण को ढूंढ के दिया हुआ है। ऐसे नहीं कि कोई बुक से रट के दिया है, किसी ने बोला बोल के दिया, नहीं, बहुत कारण, जो कारण एजिंग का कारण को ढूंढ के इस एंटी एजिंग कॉम्बिनेशन को दिया गया, जो टोटली कवर करता है and all the problems cover karte could become a solution, is actually a solution. So sabse number one is of course hamara total antioxidant. Aap log acche se jante total antioxidant ke bare mein, main nahi bhi bolunga to jante aap log, mere bahut product training mein sune hain, obm mein bhi basic product ke upar bola jata hai antioxidant, bahut bar aapne suna hai, mera to abhi tak antioxidant ke bare mein to 200 classes de chuka hoga main. So total antioxidant is a, you can say, anti damage and for repair. One more time, anti-damage and for repair. What is the meaning of anti-damage? शरीर के अंदर damage होता है, वो हमने बहुत बार discuss किया है, outside कारण के वजह से, toxins के वजह से, stress के वजह से, बहुत सारा कारणों के वजह से damage होना है शरीर के अंदर। तो damage होगा, उसको रोका नहीं जा सकता बाहर से, but damage के effect को जरूर कम किया जा सकता है repair को बढ़ा के। So total antioxidant is a damage reducer and repair increaser. डैमेज को रिड्यूस करने के लिए और रिपेयर को बनाने के लिए दिस इज द टोटल एंटीऑक्सीडेंट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और हमारा कंपनी का बेंचमार्क प्रोडक्ट है, आप अच्छे से जानते हैं। इफ यू सी पीपल ऑफ जापान एंड कोरिया, दे लुक ऑलवेज यंग, इवन एट द एज ऑफ 50 दे लुक लाइक 30, एट द एज ऑफ 70 दे लुक लाइक 40 एंड दे वर्क लाइक 40, नॉट ओनली लुक दे वर्क लाइक 40। वन ऑफ द मेन रीजन इज दे हैव अ हाई इंटेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन द फूड, उनके खाने में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, सी फूड, वाइल्ड फ्रूट्स, बेरीज बहुत ज्यादा खाते, सो दे लुक वेरी यंग बिकॉज हाई एंटीऑक्सीडेंट मात्रा होते हैं उनके खाने में। तो हिंदुस्तान में तो एंटीऑक्सीडेंट का मात्रा नहीं मिलेगा खाने में, खाली टॉक्सिन्स का मात्रा ज्यादा हो गया, तो क्यों ना वी विल टेक समथिंग न्यूट्रोसिटिकल व्हिच हैज गॉट अ हाई एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू, दैट इज अवर टोटल एंटीऑक्सीडेंट। सो दैट टोटल एंटीऑक्सीडेंट विल एक्चुअली रिड्यूस द डैमेज एंड इट विल इंक्रीज द रिपेयर। डैमेज रिपेयर, डैमेज रिपेयर का ये गेम 24 घंटा 365 डेज चलता रहता है, वी कांट स्टॉप इट, वो होगा ही होगा। ऐसा उम्र के साथ साथ डैमेज बढ़ता है, रिपेयर कम होता है, ये भी होगा ही होगा, वी कांट स्टॉप इट। बट डेफिनेटली अगर डैमेज कम नहीं किया जा सकता है, वो होगा,
रिपेयर भी कम होते जाएगा, वो भी नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम कुछ ऐसा दें, प्रोसेस उल्टा तो नहीं हो जाएगा, प्रोसेस सीधा ही चलेगा, बट इसका बैड इफेक्ट कम हो सकते हैं। सो इफ द डैमेज वॉज 100 एट द एज ऑफ 40, इफ यू टेक टोटल एंटीऑक्सीडेंट, द डैमेज विल कम डाउन टू 75, 25% कम होना डैमेज। एंड इफ द रिपेयर वॉज 50 एट द एज ऑफ maybe 40, at the age of 40, the repair was only 50 or at a power of 40. अगर total antioxidant देखे वो 40 का repair बन गया, let's say 60, तो भी it's very good ना। तो इसका मतलब what is happening कि if total antioxidant is being used every day by everyone, the damage will reduce by 20-25%, the repair will increase by 20-25%. So as a net, 40-50% आदमी के favor में जाएगा। तो टोटल एंटीऑक्सीडेंट आप कभी भी ऐसा डायरेक्टली बोल के सेल करेंगे ना, यार ये ले लो एंटी एजिंग होगा, यंग हो जाओगे, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। लेकिन अगर आप पहले समझा सकते कि एजिंग क्या है, एजिंग इज अ नेचुरल फिनोमेनन जिसको कोई नहीं रोक सकता। व्हाई पीपल आफ्टर द एज ऑफ 35-40 गेट डायबिटीज, व्हाई दे गेट हार्ट प्रॉब्लम्स, व्हाई दे गेट इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, मेमोरी प्रॉब्लम्स, बाल सफेद होना, स्किन में झुरिया पड़ना, किडनी डैमेजेस, व्हाई एट द एज ऑफ 35-40 प्लस ही ये बीमारी ज्यादा होते हैं? बिकॉज दिस इज द मीडियन एज एट विच द डैमेज विल ओवरटेक द रिपेयर। आज अगर किसी को उम्र 20 साल है, उसके बॉडी में भी डैमेज हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, किसी को उम्र 50 साल है, उसके बॉडी में भी डैमेज हो रहा है, रिपेयर हो रहा है। बट जब ये 35-40 का एज ग्रुप आता है, तब उस टाइम सोचिए, मतलब डैमेज ऐसा जा रहा है और रिपेयर ऐसा आ रहा है, मतलब ये ओवरलैपिंग होते हैं। ओवरलैपिंग के टाइम डैमेज विल बी एक्चुअली सक्सीडिंग और डैमेज विल बी ओवरपावरिंग द रिपेयर, और उसके बाद ऑटोमेटिकली डैमेज बढ़ता है जाता है और रिपेयर कम होते जाते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी नेचुरल फिनोमेनन जो होना ही होना है। सो अगर ये होना ही होना है, इसको रोका नहीं जा सकता है, ये एक प्रोसेस है जो हजारों साल से होते हुए आया है, नेक्स्ट हजारों साल भी होगा, तो क्यों ना कुछ हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके वजह से इसका जो इफेक्ट है वो काफी हद तक कम हो, डैमेजिंग इफेक्ट। डैमेज को भी नहीं रोक सकते, रिपेयर को भी नहीं पूरा बढ़ा सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर ये ऐसा ही चलेगा तो हमने अगर टोटल एंटीऑक्सीडेंट लिया, वी यूज द टोटल एंटीऑक्सीडेंट, द इफेक्ट ऑफ दिस, द बैड इफेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस विल बी रिड्यूस टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, द बैड इफेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस विल बी रिड्यूस टू अ सर्टेन एक्सटेंट, द प्रोसेस कैन नॉट बी स्टॉप्ड। आज आप किसी को भी बोलेंगे ना, ये ले लो एजिंग बंद हो जाएगा, ये झूठ बात है। अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई क्रीम लेके, कोई प्रोडक्ट लेके गली गली में, घर घर में घूमते, ये ले लो एंटी एजिंग होगा, बुढ़ापा रुक जाएगा, बुढ़ापा ठीक हो जाएगा, होल्ड योर एज, स्टॉप योर एज, ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता मेडिकली। ये टोटली एक क्या बोलते हैं, सेल्समैन वाला शब्द हो गए, है ना, जस्ट ऐसे बोलने के लिए बोल दिया। बट अगर रियलिटी में एंटी एजिंग को समझना है तो एजिंग को समझना है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, वो होगा ही होगा, उसके वजह से बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज होंगे होंगे, ऑर्गन्स डैमेज मतलब डिजीज क्रिएट होंगे होंगे। किसी को भी पूछिए, भाई डायबिटीज 40 साल की उम्र में क्यों लगता है, हार्ट प्रॉब्लम 35-40 की उम्र में क्यों लगता है, राइट, इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल प्रॉब्लम, सेक्स का पावर खो देना, स्पर्म खराब होना, 37-40 की उम्र के बाद ही क्यों लगता है? बिकॉज एट दैट्स द एज वेयर द डैमेज ओवरपावर्स और ओवरकम्स द रिपेयर फैक्टर, ओवरलैपिंग फैक्टर हो जाते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज हैपनिंग। सो इट इज वेरी एसेंशियल, अगर ये हम टोटल एंटीऑक्सीडेंट को लेते हैं तो बॉडी का जो टोटल कवरेज है वो टोटल बॉडी का एक जनरल कवरेज करेगा। तो मैंने जैसा आप जानते हैं, हमारा नेफ्रोफिटो किडनी को पर्टिकुलर टारगेट करता है, नेचुरोफिटो लंग्स को पर्टिकुलर टारगेट है, डायक है पैंक्रियास को पर्टिकुलर टारगेट करता है, डीलिपो पर्टिकुलर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को टारगेट करता है, सेम और टोटल एंटीऑक्सीडेंट इन जनरल एवरीवन को टारगेट करता है, फुल जनरल क्या है, फुल टारगेट करने के लिए। द सेम वे वी हैव द नेक्स्ट प्रोडक्ट। अब आपने जो मेरा वो पढ़ा होगा, यू नो पोस्ट पढ़ा होगा, उस पोस्ट में आपने जरूर देखा होगा मैंने चार फैक्टर लिखा था। एक था टोटल एजिंग फैक्टर, दूसरा मैंने अल्कलाइन फैक्टर लिखा था, तीसरा मैंने ब्रेन के ऊपर फैक्टर लिखा था, चौथा मैंने स्किन के ऊपर फैक्टर लिखा था। तो मैंने जो ब्रेन के ऊपर फैक्टर लिखा है, तो इसमें पैनक्स जिंगसेंग आता है। तो आप लोग भी ताजुब हो रहे हैं, सर पैनक्स जिंगसेंग एंटी एजिंग करेगा, आप ये सोच सकते हैं। यू सी, शरीर में हमारा हेड ऑफिस है ब्रेन, आप सब लोग जानते हैं, ये नया बात है नहीं, हमने करीब 200-300 लेक्चर्स में ये सुने हैं, हमने पढ़ा है, और आपने भी रियलाइज किया होगा कि हमारे बॉडी का हेड ऑफिस है ब्रेन। सो अगर ब्रेन बुढ़ा हो गया तो शरीर कहाँ से जवान रहेगा, मुझे बता दीजिए। अगर आपका ब्रेन बुढ़ा हो गया, शरीर जवान कहाँ से रहेगा, रह नहीं सकता, क्योंकि आपका बुढ़ा वाला ब्रेन बॉडी को बुढ़ा वाला सिग्नल भेजेगा, आपको किडनी को भी बुढ़ा वाला भेजेगा, लिवर को भी भेजेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को भेजेगा, आपका स्किन को भी बुढ़ा वाला सिग्नल भेजेगा, तो ऑटोमेटिक बुढ़ापन अंदर में आएगा। और अगर आपके ब्रेन में बुढ़ा सिग्नल कम और जवान सिग्नल ज्यादा है, मतलब कि यू नो द बैड इफेक्ट्स ऑफ द एजिंग इज लेस ऑन द ब्रेन।
हाँ ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक या थैंक यू ठीक 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 ओके सो ब्रेन सो द ब्रेन यू नो वेरी वेल नाउ या थैंक यू नाउ आई थिंक आई एम बैक आई एम ऑडिबल एंड विजिबल सो द ब्रेन इज एक्चुअली द सेंट्रल पॉइंट द हेड ऑफिस ऑफ द बॉडी जस्ट एक चीज को सोचिए सपोज आप एक कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी का 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया में 29 स्टेट्स की ब्रांच ऑफिस है और कहीं पे हेड ऑफिस है मे बी चेन्नई मे बी कोलकाता मे बी दिल्ली कहीं पे और 29 स्टेट्स में है ना देयर इज द ब्रांच ऑफिसेस एंड वन प्लेस देयर इज द हेड ऑफिसेस सो फॉर एग्जांपल टेक एग्जांपल जो हेड ऑफिस में जो लोग आपको ऑपरेट कर रहे हैं लेट्स से आप एक जोन का मैनेजर है कोई दूसरा एक जोन का मैनेजर कोई दूसरा एक जोन का मैनेजर तीसरा जोन का मैनेजर कोई चौथा जोन का मैनेजर है कोई पांचवा जोन का मैनेजर है प्लस अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं सो आप सोचिए आपको चलाने वाला जिसको आप रिपोर्टिंग करते हैं या जो आपको क्या बोलते हैं ऑर्डर नहीं देते कोई आप जो आपको डायरेक्शन देते इस तरीके से काम करो उस तरीके से काम करो ये मत करो वहां पे जाओ वहां पे मत जाओ ये टास्क को पूरा करो जो आपको डायरेक्शन देता है जो आपको मोटिवेशन देता है ना जो आपको इंडिकेशन देता है अगर वो खुद ही ऐसा है ऐसा वाला है वो खुद ही ऐसा बैठता है वो वाला बॉस आपका उसके बॉडी में कोई पावर ही नहीं है हमेशा ऐसा रहता है रहता है उसके अंदर कोई कंसंट्रेशन नहीं उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं तरीके से चला सकता है पुल जोश से चलने का लेकिन आपको जो डायरेक्शन आ रहा है मोटिवेशन आ रहा है सिग्नल आ रहा है जो आपके पास जो भी चीजें उससे दिया जा रहा है वो सब बुड्ढा बुड्ढा वाला है इट्स ऑल ओल्ड ओल्ड टाइप तो आप किस तरीके से जोशीला काम करेंगे कर सकते हैं वो आपका टीम का कैप्टन ऐसे सोचे ना टीम का कैप्टन ही ऐसा होकर बैठा हुआ है तो टीम के प्लेयर कैसे जोशीला काम करेंगे इज इट पॉसिबल क्या ये कभी संभव है क्या असंभव है तो होगा क्या Often your productivity will actually be depending on how productive signals are given to you. If you want to be productivity, आप activity, आपके activity आप चाहते हैं productivity में परिवर्तन हो. तो अगर आपका ही जो signal दिया जा रहा है, आपका motivation दिया जा रहा है, आपका brain, pancreas, बहुत ही एक बुढ़ा है ना पैंक्रियास को भाई धीरे धीरे चलो वो राइस आ रहा है शुगर एक्युमुलेट हो रहा है कोई बात नहीं धीरे धीरे चलो टॉक्सिन्स बॉडी में बहुत ज्यादा है किडनी को बोला धीरे धीरे चलो टॉक्सिन निकालो धीरे धीरे निकालो है ना अल्कोहल पी लिया है एक्सेसिव बॉडी में टॉक्सिन्स है फिर भी लीवर को सिग्नल आ रहा है धीरे धीरे चलो लीवर धीरे धीरे चलेगा कोलेस्ट्रॉल एक्युमुलेशन हो रहा है सो व्हाट विल हैपन ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विल बी एक्चुअली फंक्शनिंग इन अ वेरी ओल्ड एंड एजिंग वे If the brain has become old and aging, मैं फिर से बोल रहा हूँ, all the organs of the body will be functioning in a very old and aging way if the brain is already aged. क्योंकि this is the HQ, this is the head office. आप खुद आपको हमेशा समझना है अगर चलिए और एक example लेते हैं. सोचिए एक देश में there is a government and there is a public. तो public चलता है government के policies में, government के indication में. Government जिस speed में चलेगा, देश उस speed में चलेगा. ऐसा सोचिए हर एक गवर्नमेंट जो चलाने वाले लोग है ना द गवर्निंग बॉडी अगर वो लोग नौजवान फूर्तीला जोशीला है बोलते हैं या ऑटोमेटिक पावर में बनाएगा तो पब्लिक भी उससे हाईली मोटिवेट होगा पब्लिक भी दौड़ेगा अगर वहां से ऐसा ऐसा सिग्नल ऐसा ऐसा वाला आ रहा है तो पब्लिक भी ऐसा ऐसा वाला है हमेशा रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ बिकॉज दिल गिवर अरे सिग्नल गिवर ही बताए सो इफ द ब्रेन मुरझा गया ब्रेन अगर मुरझा गया तो आपका पैंक्रियास जवान नहीं रह पाएगा ज्यादा टाइम आपका किडनीज भी जवान नहीं रह पाएगा आपका लीवर भी ज्यादा टाइम जवान नहीं रह पाएगा अगर आपका ब्रेन मुरझा गया बिकॉज द ब्रेन ही है आपने राइस खाया राइस खाने के बाद मैंने ग्लूकोज ज्यादा हो गया ब्लड में पैंक्रियास इंसुलिन प्रोडक्शन करेगा ये सिग्नल पैंक्रियास को कौन देता है बाहर से आके कोई फुसफुस करके पैंक्रियास को देता है भाई इंसुलिन बना नहीं आपका ब्रेन देते हैं सो इफ द ब्रेन इज ओल्ड उसका स्पीड ऑफ वर्किंग कम है उसका पावर ऑफ वर्किंग कम है उसका एबिलिटी कम है फ्रेजिलिटी ज्यादा है तो ऑटोमेटिक क्या होगा वो सिग्नल तो देगा पैंक्रियास को धीरे वाला सिग्नल देगा
स्लो वाला सिग्नल देगा। जरूरत है सिग्नल इतना सा सिग्नल का जरूरत है सोचे हाथ में, बट उसका सिग्नल इतना सा है, पावर में भी इतना, अमाउंट में भी पैंक्रियास काम करेगा भी इतना ऑटोमेटिक। डैमेज ब्रेन क्रिएटेड पैंक्रियास एंड डैमेज पैंक्रियास क्रिएटेड एम्बर से विल क्रिएट डैमेज फॉर डायबिटीज, अ डिजीज कॉल्ड डायबिटीज। ये होना है होना है। आपकी बॉडी में टॉक्सिंस का मात्रा बहुत ज्यादा हो चुका है, मे बी आउटसाइड फैक्टर्स, फूड हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स, कोई भी कारण से। किडनी का बहुत बड़ा रोल है टॉक्सिंस निकालने के लिए यूरिन से, क्योंकि आप स्टूल एक दो बार जा सकते हो दिन में, यूरिन 10 बार जा सकते हो। सो अगर ब्रेन ही किडनी को फटाफट सिग्नल नहीं दे रहा, तेज वाला सिग्नल नहीं दे रहा है, तो what will happen? You should be active like this, because the toxins in the body is very high. तो brain को ही पकड़ना है, kidney नहीं समझ सकता है कि toxins high है low है, ये brain ही जानता है। यूरिया हाई हो गया, creatinine हाई हो गया, potassium हाई हो गया, other toxins हाई हो गए, body में danger factors ज्यादा create होके high हो गए, ये already brain ने पकड़ लिया है। brain को समझ में आना चाहिए, brain समझने के बाद ही kidney को frequent signals देगा। kidney को तो always signal देता है, सुसु तो always आता है, लेकिन अगर टॉक्सिन्स का मात्रा ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द किडनी विल बी मोर, द पावर ऑफ द सिग्नल विल बी मोर, द स्पीड ऑफ द सिग्नल विल बी फास्टर, राइट? सो अगर पावर ऑफ द सिग्नल विल बी मोर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल विल बी हायर, मतलब ज्यादा सिग्नल दिया जा रहा है, ज्यादा पावर से दिया जा रहा है, ज्यादा तेज दिया जा रहा है, तो किडनी का जो डिटॉक्सिफाइंग फंक्शन होगा ना वो भी तेज हो जाएगा। किडनी तो वर्किंग तेज होगा, फ्रीक्वेंट होगा, हायर स्पीड में होगा, हायर पावर में होगा, तो टॉक्सिन्स का निकलना भी हाई हो जाएगा और टॉक्सिन्स का बॉडी में रहना लो हो जाएगा, बॉडी बच जाएगा। इसका मतलब क्या है? अ यंग एंड एजाइल ब्रेन विल एक्चुअली हैव अ यंग एंड एजाइल किडनी, इनफैक्ट डिटॉक्सिफाइंग विल बी यंग एंड एजाइल। हम लोग बाहर से यंग एंड एजाइल दिखेंगे, फ्रेजाइल मतलब टूटने वाला, एजाइल मतलब जवान जिंदा रहने वाला, फ्रेजाइल मतलब टूटने वाला। तो अगर ब्रेन टूटने वाला हो गया, राइट, तो ब्रेन इज, अगर टूटने वाला ब्रेन हो गया तो ऑटोमेटिकली बॉडी के बाकी ऑर्गन्स भी टूटने वाले हो जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इफ ब्रेन को हम लोग ऑलवेज यंग रख सकते हैं, ब्रेन को एंटी एजिंग रख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली बॉडी के बाकी ऑर्गन्स एंटी एजिंग होना होगा। अब जो भी ऑर्गन का नाम बोलेंगे, चलिए सेक्सुअल प्रॉब्लम का बात करते हैं, किसी का ब्रेन में एक्सेसिव स्ट्रेस एक्युमुलेट होके, सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेसिव स्ट्रेस एक्युमुलेट होके बैठा है, एंड उसका जो न्यूरोलॉजी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेन, उसका नर्व सिग्नल्स, मतलब ब्रेन में ब्रेन की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरा स्ट्रेस से भरा हुआ है, बुढ़ा मुरझा सा गया है ब्रेन, तो वहां से सिग्नल भी मुरझा वाला निकलेगा। जब सिग्नल मुरझा वाला निकलेगा तो सेक्सुअल ऑर्गन को भी मुरझा वाला सिग्नल जाएगा। सो व्हेन समबडी वांट्स, समबडी इज विश टू हैव सेक्स विल बी लो, somebody's power to have sex will be low, somebody's stamina to have sex will be low, because sex organ tab kaam karega jo brain bolega, bhai abhi kaam karo, abhi ye time aaya hai, bhai nahi karo, wo nahi aaya hai time, so automatically brain de raha hai aise kaam karo, aise kaam karega, brain bol aise kaam karo, aise kaam karega, so agar brain hi aisa baith gaya to baki organs baith jayenge। Skin आपके हाथ में झुरिया, स्किन में झुरिया, सफेद बाल होना वो काफी बात का एक रिफ्लेक्शन है, उससे पहले बहुत कुछ हो चुका है बॉडी में, बहुत कुछ होने के बाद फाइनल स्टेज में दिखता है, ये इनिशियल स्टेज में नहीं दिखता है, ये ऑटोमेटिकली एक फाइनल स्टेज, एक लेटर स्टेज ऑफ डैमेज है। अर्लियर स्टेज ऑफ डैमेज हैपेंस इनसाइड एंड द लेटर स्टेज विल बी रिफ्लेक्टेड आउटसाइड, तो पहले इंटरनल स्टेज को तो हमें रिपेयर करना है दोस्तों। दैट्स व्हाई पैनक जिंसिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। द रीजन पैनक जिंसिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज बिकॉज पैनक जिंसिंग इज एक्चुअली गोइंग टू टोटली हेल्प आवर ब्रेन एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Because अगर ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, टारगेटेड न्यूट्रिशन मिले जो उसको जरूरत है, वो स्ट्रेस को लेने का पावर बढ़ जाएगा। मैं ये बोल दे तो पैनिक जिंक्शन लेने के बाद आपका बॉस का प्रेशर कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर है। अगर आप कहीं पे नौकरी करते हो और आपका बॉस ऊपर से प्रेशर दे रहा है, ये करो, पैनिक जिंक्शन लेने से वो प्रेशर कम नहीं हो जाएगा, आपका मार्केट से भी प्रेशर कम नहीं हो जाएगा। आप भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे, ऑडियंस कर रहे, पूरा फुल दम में कर रहे, तो आपका डाउनलाइन से प्रेशर कम नहीं हो जाएगा, आपके मार्केट से भी प्रेशर कम नहीं हो जाएगा, लेकिन उस प्रेशर का डैमेज ब्रेन पे जरूर कम हो जाएगा। वन मोर टाइम, बात समझ में आया? इसलिए कभी किसी को बोलिए मत ये ले लो प्रेशर कम हो जाएगा, वो बोलेगा भाई कैसे कम होगा, ये लेने से मेरा डाउनलाइन का फोन कम आएगा क्या, कस्टमर के कंप्लेन कम आएगा क्या, मेरा परेशानी कम होगा क्या, मेरा जो लोन पड़ा है वो कम हो जाएगा क्या, मेरा बॉस का प्रेशर कम हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। लेकिन बिल्कुल, तो आप ऐसा मत बोलिए,
यस ये प्रेशर कम नहीं करेगा, लेकिन ये प्रेशर ब्रेन में आने के बाद डैमेज जो ब्रेन में करता है वो जरूर कम करेगा, बिकॉज आपका बॉस फोन करेगा नहीं करेगा पैनिक जींस के ऊपर डिपेंड नहीं, आपके डाउनलाइन नीचे से चिल्ला रहा है कंप्लेन कर रहे हैं वो चीज आप कम नहीं कर सकते। आप कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, आपके ऊपर लोग कंप्लेन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कंप्लेन कर रहे हैं, आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, वो चीज कम नहीं हो सकता, लेकिन वो प्रेशर आके आपके ब्रेन के अंदर कितना डैमेज होता है वो जरूर कम हो सकता है, और आपका ब्रेन उसके साथ कितना पावर से कोप अप कर सकता है, हैंडल कर सकता है, वो जरूर बढ़ेगा। तो काफी टाइम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये ले लो स्ट्रेस कम हो जाएगा, ये ले लो प्रेशर कम हो जाएगा ब्रेन में, दे आर एक्चुअली टेलिंग वेरी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये ले लो स्ट्रेस तो कम नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेस का इफेक्ट ब्रेन में कम होगा, आदमी को समझ में आएगा। बात तो सही है, सपोज आपका कोई बहुत बड़ा लोन पड़ा हुआ है, वहां से बैंक से कॉन्स्टेंट फोन आ रहा है पैसा दो पैसा दो पैसा दो, आपने किसी लोगों से पैसा लेके बैठा है, आप पैसे टाइम में नहीं पा रहे, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, आपका बीवी का झगड़ा हो रहा है या हस्बैंड का झगड़ा हो रहा है, वो तो कम नहीं हो सकता क्योंकि प्रोडक्ट तो आप खा रहे, उनके ऊपर खास इफेक्ट होगा। आप बात समझ में, आपके ऊपर से बॉस फोन कर रहे तुम्हारा काम ठीक नहीं हो रहा है, अब ऐसा करो ऐसा करो, टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तो प्रेशर तो आप खा रहे, वो तो कम नहीं कर सकते पैनिक जिंस, बिकॉज खा तो आप रहे हो, उनके ऊपर कैसे फिट करेगा। लेकिन वो जो प्रेशर आ रहा है आपके साथ बीवी से आ रहा है, आपके बॉस से आ रहा है, आपके मार्केट से आ रहा है, या जिससे आप उधारी लिया उससे आया है, या आपके डाउनलाइन से आ रहा है, वो प्रेशर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन उस प्रेशर का प्रेशर ब्रेन में कम हो जाएगा। और ब्रेन क्योंकि ब्रेन एंटी एजिंग हो रहा है, मतलब ब्रेन का पावर हम पैनिक जिंसिंग से बढ़ा रहे हैं, अगर पावर बढ़ा रहे तो मतलब ऑटोमेटिकली स्ट्रेस के खिलाफ लड़ने से लिए टूटने वाला एजाइल मतलब चलने वाला, जो ना टूटे इजिली, लेट्स कॉल एजाइल, फ्रेजाइल मतलब टूटने वाला। तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन इज दैट द यंगर ब्रेन विल कीप यंगर ऑर्गन, ये बात को हमेशा याद रखें। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे ओके आप में से कितने लोगों का उम्र अभी 45 प्लस है, कितने लोगों का एज अभी 45 प्लस है, मुझे आप पे लिखिए, चाहे आदमी हो या मैडम हो, नो प्रॉब्लम, आप मुझे बस लिखिए, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। अगर आप बुरा नहीं मानते हैं मेरे सवाल को, सर हमारे उम्र क्यों पूछ रहे, 40 प्लस उम्र में कितने लोग, 40-45 रेंज ऐसे उम्र में कितने लोग हैं, अगर आप मेरे सवाल का बुरा नहीं माने तो, कि सर हमें हमारा उम्र क्यों पूछ रहे बोल के, मतलब मैं आपका उम्र पूछ रहा हूँ, आपका मतलब शादी का रिश्ता के लिए नहीं पूछ रहा, कोई और कारण से पूछ रहा, कुछ आपको मैं प्रूफ करना चाहता हूँ, ब्रेन यंगर ब्रेन एंड यंगर बॉडी के ऑर्गन्स, 41-40 मी के, मैं भी 50 जितेंद्र जी ओके, विजय सर 43, आई एम 49, इट्स गुड, 38 जगमोहन मेहरा 30, 47 सब सर लोगों का आया है, लगता है मैडम लोग कोई है नहीं 40 के ऊपर, सब 40 से नीचे ही है मुझे ऐसा लगता है, पर्टिकुलरली सर लोगों का ही ज्यादा आया है, राइट right. क्या मैडम लोग कोई 40 के ऊपर नहीं है, या है तो बोलना नहीं चाहते, कौन सा शायद नहीं मेरी 43 नहीं 40 के ऊपर चाहिए, तो जो लोग 40 के ऊपर थे, बहुत सारे थे, राइट आई थिंक आई हैव मोर देन हियर 15 पीपल हु आर अबाउट 40, तो मैं आप लोगों को पूछता हूँ, इबा मरी 47 ओके 52 अंजू दास पानी का 42 बिकॉज 34 हाँ अभी मैडम लोगों का मैसेज आना शुरू हुआ, मैडम लोग क्या बूढ़े नहीं होते क्या, मतलब उम्र ही नहीं बढ़ता, ऐसा वाला बात हो गया ओके ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग स्कूल टाइम में भी लिखते थे है ना, लिखते थे अभी भी लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, ये राइटिंग इज डन बाय द हैंड, और ये फाइनल है आपका रिस्ट, रिस्ट एरिया फाइनल आते हैं फिंगर्स, सो एक ऑर्गन हुआ है पाम, दिस इज कॉल्ड द पाम, ये आपका एक ऑर्गन हुआ जिसमें राइटिंग का डोमिनेशन होता है। तो स्कूल टाइम में लिखते थे, कॉलेज टाइम में भी लिखे होंगे, आज भी लिखते हैं अगर कहीं पे कुछ लिखना हो तो, मुझे एक बात बताइए, आप स्कूल टाइम में मतलब आज से, अगर आप अभी 40 प्लस आज से 20 साल पहले, आपके लिखने का स्पीड, अपने आपके आपके ज्यादा टाइम लिखने का कैपेसिटी, आपके लिखने का स्पीड और ज्यादा टाइम लिखने का स्टैमिना, लिखने का स्टैमिना और लिखने का स्पीड 20 साल पहले ज्यादा था या आज ज्यादा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत लोग लिख रहे, इसलिए मेरे दिमाग में अचानक ये सवाल आया, मैं पूछा आज से 20 साल पहले आपका लिखने का पावर एंड स्टैमिना ज्यादा था या आज लिखने का पावर और स्टैमिना ज्यादा है, कौन सा है, आप मुझे खुद ही बोल सकते हैं, यू कैन टेल मी योरसेल्फ। दिस डेज आई डू नॉट हैव राइटिंग हैबिट ओके बिफोर ओके
सपोज आपको एक पेज हुआ कि कोई डिक्टेशन कर रहा है, लिख रहे हैं, तो आपको पहले था लिखने का पावर स्पीड आ गई है पहले, ओके okay? और बाकी लोग, बाकी हमारे डेयर लीडर्स, नाउ अर्लियर पहले, ओके okay? मेरा भी पहले था, मेरा अभी 32 प्लस है, सो आई कैन टेल 10 इयर्स बिफोर आई वाज अ मच मोर फास्ट राइटर. मैं पूरा नहीं है, मैं तो पूरा नहीं, बिफोर इट्स मोर, यस और अर्लियर, ओके. आई टेल यू वन थिंग, जैसे जैसे उम्र बढ़ते गया, आपका वोकैबुलरी बढ़ा, आपका नॉलेज बढ़ा, आपके इंफॉर्मेशन बढ़ा, जो भी भाषा में आप लिखते हैं इंग्लिश में उसके बारे में भी काफी ज्यादा नॉलेज बढ़ा विद इन द लास्ट 20 इयर्स. लेकिन लिखने का स्पीड और ज्यादा टाइम लिखने का पावर जरूर कम हुआ, बिकॉज ये याद रखिए, ये जो आप फिंगर से लिख रहे हैं ना, ये जितना भी आपका मसल हो, लेकिन ये फिंगर को डिक्टेट कराने वाला ये ब्रेन है. सो अगर सपोज मैं आपको कुछ डिक्टेशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, सोचिए आप क्लासरूम में बैठे हैं और मैं आपको कुछ डिक्टेशन दे रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट में, आप उसको इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में, नेपाली में, जो भी भाषा में बोल रहे हो, बंगाली में, आसामी में, एनी ऑफ देम. सो मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ कि ये टॉपिक ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ, आप उसको सुन के लिख रहे हैं. लिख आपका हाथ रहा है, आपका उंगली, लिख आपका उंगली रहा है, बट लिखा आपका ब्रेन रहा है. क्योंकि कान से ये जो आप मुझे तो सुन रहे हैं ना, या मेरा लिपिंग को सुन रहे हैं, या बहुत पीछे है तो लिपिंग को, सॉरी लिपिंग को देख रहे हैं, लिपिंग को नहीं देख पा रहे, बहुत पीछे है तो कान से सिर्फ सुनाई दे रहा है ना, ये जो आप सुन रहे हैं ना, ये आपके कान से जा रहा है, राइट. ये आपके कान के अंदर गया, राइट. कान के अंदर वो एंटर हुआ, कान के अंदर एंटर होने के बाद वो ब्रेन पे गया. ध्यान से सुनिए, कान के अंदर एंटर होने के बाद वो ब्रेन पे गया, ब्रेन ने उस शब्द को सुना, पूरा प्रोसेस को सुनिए, मैं बोला, आपने उसको सुना, कान से ब्रेन में गया, ब्रेन में उस शब्द को कैप्चर किया. याद रखिए, ears, it took the sound, the brain took the words. बात को समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कान ने शब्द, कान ने आवाज सुना, लेकिन ब्रेन ने शब्द को कैच किया, उस शब्द को सिग्नल में भेजा उंगली को, ये शब्द को इस तरीके से अल्फाबेट से लिखो, तब उंगली ने लिखा. आया बात प्रोसेस समझ में? ये जो आप कुछ सुन के लिखते हैं ना, सब एनीवन, मैं अभी भी आपको जूम में कुछ बोल रहा हूं, तो यू आर राइटिंग इट डाउन, हाउ इज द प्रोसेस इज ऑपरेटिंग. डोंट थिंक दैट योर इयर्स आर हियरिंग द वर्ड्स, योर इयर्स आर हियरिंग द साउंड, टोटल साउंड, वॉल्यूम साउंड, पूरा जो पूरा चीज को, मैटर को सुना, बट आपके ब्रेन ने वर्ड्स को कैप्चर किया, उस वर्ड्स को कैप्चर करके उसको इन अ पैटर्न आपके उंगली को डिक्टेट किया, इन अ पैटर्न. सपोज अगर मैंने बोला एनाटॉमी, तो आपके ब्रेन ने डिक्टेट किया एनाटॉमी लिख, ब्रेन के पास मेमोरी है, वो ऑलरेडी एनाटॉमी का स्पेलिंग जानता है, तो ब्रेन को देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एनाटॉमी बहुत बार सुना है, मतलब ब्रेन में स्टोर हो गया. ए एन ए टी ओ एम ऑय लिखो, ए पहले लिखो, एन बाद में लिखो, वो ऑलरेडी सिग्नल गया उंगली को, उंगली लिख रहे हैं. ये पूरा प्रोसेस इज एक्चुअली ऑपरेटेड बाय द नर्वस सिस्टम, बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड देन बाय द बॉडीज पेरिफेरी नर्वस सिस्टम. सो अगर ब्रेन का जो कैचिंग एबिलिटी और स्टैमिना एबिलिटी ज्यादा हो, तो आपने किसी ने मुझे लिखा कि सर मैं अभी ज्यादा दिन ये सब सीखते सीखते मेरा राइटिंग स्पीड बढ़ गया, गुड. आपका राइटिंग स्पीड क्यों बढ़ा होगा, आई टेल यू आंसर इज दैट आपके अंदर वोकैबुलरी पहले कम था, अभी वोकैबुलरी ज्यादा हुआ है. मे बी आप ओरियंस में आ रहे हैं, कहीं पे कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका वोकैबुलरी बढ़ा. वोकैबुलरी बढ़ा बोल के आपको पहले एनाटॉमी देख के लिखना पड़ता था, अभी सुन के लिख सकते हैं, तो देख के ए एन टी ओ एम वाई लिखना पड़ता था, एनाटॉमी सुना ए एन टी वाई, फटाक से आग बंद करके भी लिख दिया. सो दैट इज कमिंग बाय नॉलेज, मैं बोलता हूँ ना डेवलपमेंट, इट केम बाय नॉलेज. बट अगर पहले आप मतलब सोचिए एक घंटे में 10 पेज लिख सकते थे, अभी 5 पेज से ज्यादा नहीं लिख सकते 20 साल बाद, और 10 साल बाद 3-4 पेज लिख सकते. बिकॉज एक चीज याद रखना, आपको लग रहा है कि आप लिख उंगली से रहे, बट ये लिखाने वाला आपका ब्रेन है, और ये सिग्नल भेजने वाला नर्वस सिस्टम है. अगर वही बुढ़ा हो गया, वही बहुत ज्यादा बुढ़ा हो गया, तो वो सिग्नल बहुत टाइम नहीं भेज पाएगा. बिकॉज मैं आपको छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज एक होता है खुद से सोच के लिखना, एक होता है कोई डिक्टेट कर रहा है उसको लिखना, एक होता है कोई बुक से कॉपी करके या कोई नोट से कॉपी करके लिखना, ऐसे नोट से कॉपी किया लिखा, ऐसे नोट से कॉपी किया लिखा, एक हो रहा है कोई क्लासरूम में आपको कुछ लेक्चर दे रहा है सुन के लिखना, एक होता है सोच के लिखना. तीन टाइप का राइटिंग हो सकता है, यू आर थिंकिंग समथिंग एंड राइटिंग. एक होता है कि अच्छा वो बोल रहा है एग्जैक्ट आप लिख रहे हैं, या नोट है इसको कॉपी करके आप लिख रहे हैं. सो
तीनों एग्जांपल्स को मैं आपको दे रहा हूँ बिकॉज आपने किसी ने मुझे ऐसा लिखा कि सर मेरा राइटिंग डेबिट इंक्रीज हो रहा है, यू आर राइट, बट मैं आपको फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल को बताता हूँ, फिर आप मुझे बोल सकते हैं कितना आपके साथ रिलेवेंट है नहीं है, बिकॉज इट्स एक्चुअली अ वेरी कोर साइंस. आप इस चीज को समझिए, मैं पहले ये देता हूँ कि आप सुन के लिख रहे हैं, सुन के. आज से 20 साल पहले, लेट से आपको उम्र हुई 35 है ना, तो मैं आपको 15 साल पहले बोलता, तभी भी कॉलेज टाइम में लोग पढ़ते हैं 18 19 20 21 तक तो कॉलेज में पढ़ते हैं, एमबीए इंजीनियरिंग डॉक्टर थोड़ा लेट पढ़ते हैं. तो अब कॉलेज में पढ़ रहे हैं, व्हाट विल हैपन दैट टाइम योर एज इज मे बी 20, स्कूल में पढ़ रहे एज मे बी 15. तो ये जो आपको कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, आपको ये बोल रहा है, मतलब कोई क्लास बोल रहा है, डिक्टेट कर रहा है, आपका कान का मतलब आपके ब्रेन, कान से तो जा रहे हैं ब्रेन में जा रहे हैं. आज के दिन में भी आपका कान बिल्कुल ठीक है, तभी भी आपका कान बिल्कुल ठीक है, आज भी आपको क्लियर सुनाई देता है, तभी भी क्लियर सुनाई देता है. पर याद रखिए, 20 साल पहले भी आपको क्लियर सुनाई देता था क्या? साउंड. ब्रेन कैप्चर करता था क्या? शब्द, मतलब मैटर. आज भी आपका कान को क्या सुनाई देता है? साउंड. ब्रेन क्या कैप्चर करता है? शब्द, वर्ड्स. और लिखता वही ब्रेन, उसको पैटर्न में ट्रांसफर करता है, उंगली लिखता है. सो कान का सुनने का कैपेसिटी तो घंटों तक है, लेकिन ब्रेन का उसको वो साउंड से वर्ड्स निकालने का कैपेसिटी अभी घंटों का नहीं है. पहले अगर 2 घंटे का था, अभी 1 घंटे का है. बात को समझिए अच्छे से. पहले अगर 2 घंटे का था तो अभी 1 घंटे का है, क्योंकि ब्रेन तो ओल्ड हो रहा है. अगर ब्रेन ओल्ड हो रहा है मतलब कान में जितने भी आवाज जाए कुछ टाइम बाद और आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे. तो अब मैंने उसको टेढ़ा करके लेके आया. मैं डायरेक्टली भी कॉन्सेंट्रेशन वर्ड बोल सकता था, क्योंकि मैंने बोला ना, सांप पकड़ने के लिए पूंछ पकड़ना पड़ता है, पहले मुंडी ने काट देगा. तो अब पीछे से आगे आ रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सब लोग इस चीज को जरूर स्वीकार करेंगे, आज से 10 साल पहले भी आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था आज के अनुसार. इफ यू कंपेयर योर 10-15 ईयर्स बैक हिस्ट्री, योर कॉन्सेंट्रेशन पावर वाज हायर. बिफोर 10-15 ईयर्स आप 3 घंटे का लेक्चर भी पूरा सुन पाते थे, 4 घंटे का भी सुन पाते थे. अभी मैं 1-1.5 घंटे के बाद आपको एक टी ब्रेक चाहिए, आपको एक स्मोकिंग ब्रेक चाहिए, आपको एक हवा का ब्रेक चाहिए, आपको एक रिलैक्सेशन ब्रेक चाहिए, एक हाई टी चाहिए. बिकॉज वाई, पहले 3 घंटा कॉन्स्टेंट आपका कॉन्सेंट्रेशन हो रहा था और आप लिख भी रहे थे. यू नो वाई, पहले 10 साल पहले का बात बोल रहा हूँ कि 3 घंटा कॉन्स्टेंट कान आवाज ले रहा था, आंख बोर्ड में लिखा हुआ चीज को देख रहा था, बट आंख ना क्या देख रहा था पता है? आंख मैटर देख रहा था, वर्ड्स नहीं. आंख मैटर देख रहा था, उस मैटर को कैमरा जैसा. आंख क्या है? कैमरा. जो आप देख रहे हैं ना, वो कैमरा फोटो को शूट कर रहा है, जो भी बोर्ड में लिखा जा रहा है या पीपीटी में दिखा रहा है वो शूट कर रहा है, करके ब्रेन को भेज रहा है. बट ब्रेन वहां से मैटर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जस्ट लाइक ओरियंस प्रोडक्ट में हर्ब पाउडर से इंग्रेडिएंट को एक्सट्रैक्ट किया गया. हर्बल पाउडर से हमने क्या किया कि एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक्सट्रैक्ट किया ना, जस्ट उसको. सेम वे सोचे, आंख कैमरा जैसा टिक 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 बोर्ड में जो लिखा जा रहा है या पीपीटी में दिखा जा रहा है उसको कैप्चर किया. वो कैप्चर क्या किया? पूरा मैटर को, वो पीपीटी का स्लाइड को कैप्चर किया. वहां से वर्ड्स और इंटेलेक्चुअल मटेरियल आंख कैप्चर नहीं कर सकता, उस चीज को आंख ने कैप्चर करके ब्रेन को भेज दिया. कान ने भी वो मैटर को सुन के ब्रेन को भेज दिया, बट उस मैटर से रियली वर्ड्स, काम का वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना ब्रेन का काम है. एक्सट्रैक्ट करना, उसको सिग्नल उंगली में भेजना ब्रेन का काम है लिखने के लिए. दैट इज हाउ दिस प्रोसेस हैपेंस. सो एक्चुअली द आईज आर टेकिंग अ फोटो एंड द ईयर्स आर गेटिंग अ रिकॉर्डिंग, बट उसको फाइनल मोड में, शब्दों में, काम के शब्दों में, या उसको कॉपी में लिखाने वाला ब्रेन है हाथ के द्वारा. आंख, सपोज किसी का ब्रेन काम नहीं कर रहा, ऐसा सोचो, आंख ने देखा और हाथ ने लिखा, यह पॉसिबल नहीं. किसी का ब्रेन नहीं काम कर रहा, आंख और कान ने दोनों ने देखा और सुना, क्या बोलते है? लिखेगा, ये पॉसिबल नहीं. बिकॉज मैं फिर से बोल रहा हूँ, आंख मैटर को ओनली कैमरा में शूट कर रहे हैं, जस्ट लाइक एक कैमरा है. सोचो, आप एक ध्यान से सोचो, क्योंकि सो रहा है, हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड, और नर्वस सिस्टम इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. आप सोचिए, आपके पास एक कैमरा है, तो आपने अपने दोस्त को कैमरा दिया, देख मैं आज नहीं जा पा रहा हूँ कहीं पे, वहां पे कुछ एक प्रोग्राम है, वहां पे ना तू जितने सब फोटो खींच या पूरा रिकॉर्डिंग को कर. तो आपके दोस्त गया, उसका काम क्या है, कैमरा को ऐसे खड़ा कर दिया, देखिए कैमरा को ऐसे खड़ा करके वो भी अपने जगह चला गया. तो कैमरा पूरा 1 घंटे का शो को रिकॉर्डिंग करता रहा, कैमरा पूरा 1 आवर रिकॉर्डिंग चलाते हैं, रिकॉर्डिंग करता रहा, फुल रिकॉर्डिंग हुआ. कैमरा रिकॉर्डिंग करके लेके आया, आपका फ्रेंड ने आपको कैमरा दे दिया, ये देखिए भाई तूने बोला था कि रिकॉर्डिंग करने के लिए, मैं रिकॉर्डिंग करके लेके आया हूँ. कैमरा रिकॉर्डिंग करके लेके आया, आके आपको कैमरा दे दिया. अब आप वीडियो को चलाना शुरू किए. अब आपका एक टास्क है, ध्यान से सुने, आपका टास्क क्या है,
उस कैमरा को देख के उसका समरी लिखना, मतलब पूरा वीडियो का आज क्या क्या हुआ प्रोग्राम में उसका समरी लिखना आपका टास्क है, जिसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेगा, सोचिए या अवार्ड मिल सकता है या पैसा मिल सकता है, व्हाटएवर। सो वो कैमरा क्या किया, कैमरा ने सिर्फ मैटर को कैप्चर किया, एक्सट्रैक्ट नहीं। एक्सट्रैक्ट कौन कर रहा है? आप। तो आपका आंख अभी सोचिए सेकंड कैमरा है, अगर मैं उस कैमरा का बात करूं तो कैमरा ने सिर्फ मैटर को कैप्चर किया, सोचिए आपका आंख वो एक कैमरा है जो मैटर को कैप्चर करता है, एक्सट्रैक्ट नहीं, कैप्चर करके मैटर को ब्रेन को भेजता है, ब्रेन वहां से एक्सट्रैक्ट करता है, आपका कान को भी आवाज सुनाई देता है, शब्द नहीं, आवाज पूरा जो सुनाई दिया वो ब्रेन को भेजा, ब्रेन वहां से एक्सट्रैक्ट किया। आर यू एबल टू गेट मी? ब्रेन वहां से एक्सट्रैक्ट किया। अगर ऐसा नहीं होता था तो अब मैं आपको बहुत मजेदार एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसको आप समझ पाए तो मुझे लिखिएगा येस और नो में। सपोज ऐसा सोचिए कि आप ओके, अब एक क्लास चल रहा है, सोचिए देयर इज गोइंग अ क्लास, फिजिकल हो या जूम मीटिंग हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, एक क्लास चल रहा है, 100 लोग बैठा है और मैं क्लास दे रहा हूँ या कोई भी ट्रेनर क्लास दे रहा है, और क्लास देने के बाद जो जो चीज हम बोल रहे हैं प्लीज नोट इट डाउन, स्ट्रिक्ट है। तो मैं बोलने लगा कि टोटल एंटीऑक्सीडेंट, इट इज मेड विद दिस दिस इंग्रेडिएंट्स एंड दिस एक्सट्रैक्ट्स आर कमिंग फ्रॉम दिस दिस प्लेसेस, इसका ये फंक्शन है बॉडी के ऑर्गन में, ये फंक्शन है, मैं ये सब बोलने लगा। और बाजू में, मैंने कि मे बी जिस हॉल में हम बोल रहे हैं उस हॉल के बाजू में बहुत शोर शराबा हो रहे हैं और कुछ गाना भी बज रहा है ना, ढिंग टांग गाना भी बज रहा है, कुछ शोर शराबे हो रहा है एक साइड से, दूसरे साइड से टोंग 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 साउंड भी आ रहा है कोई कंस्ट्रक्शन का, एक साइड से गाना बजने का साउंड आ रहा है, एक साइड से कंस्ट्रक्शन का साउंड आ रहा है, और इस बीच के हॉल में मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप 50-100 लोग लिख रहे हैं। तब आप जो लिख रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं उसमें वो गाना भी लिखते हैं क्या? आप लिखते हो गाना, एनीवन उस सॉन्ग के वर्ड्स को लिखते हो, एंटीऑक्सीडेंट लिखते लिखते बीच में कर्क्यूमिन इज वेरी हेल्पफुल फॉर दिस दिस रीजन, कोई लिखता है उसको, बीच वहां पे गाना बज रहा है आती क्या खंडाला बोल के गाना बज रहा है, कर्क्यूमिन के बाद आती खंडाला, फिर उसके बाद बेनिफिट, ऐसे लिखता है नहीं ना, सिर्फ वो चीज लिखते हैं। और बाजू का जो टोंग टोंग कंस्ट्रक्शन साउंड हो रहा है उसमें बीच में भी आप लिखते हो टोंग टोंग लिखते हो? एनीवन राइटिंग? कोई लिखता है? नहीं लिखता है ना, क्यों नहीं लिखता है? कान तो वो साउंड भी लेके आया, कान वो साउंड भी लेके आया, कान ने दोनों साउंड लेके आया, कान मेरा भी साउंड लेके आया आपके पास ब्रेन पे, और कान ने वो गाना आती का खंडा ला के भी लेके आया, राइट? और वहां पे टोंग टोंग मजदूर लोग टोंग टोंग कर रहे हैं, वो भी साउंड लेके आए, लेके आए नहीं लेके आए, लेकिन आपने लिखा क्यों नहीं? क्योंकि मैंने क्या बोला, कान साउंड लेके आता है, मैटर ब्रेन एक्सट्रैक्ट करता है। आए आपको समझ में अभी कि क्यों आप जो बाजू वाला टोंग टोंग साउंड को आपने कभी भी नहीं लिखा, वो गान आती क्या खंडा ला बोल के वो भी आपने कभी नहीं लिखा, आपने सिर्फ वो मैटर लिखा, बट कान सब साउंड लेके आया बट ब्रेन ने एक्सट्रैक्ट किया। सो अगर ब्रेन का पावर कम हो जाए, कान जितना भी लेके आए ब्रेन का एक्सट्रैक्शन पावर ही कम हो गया, ब्रेन का एक्सट्रैक्शन पावर ही अगर कम हो गया, जो आपने लिखा ना कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द लेक्चर ओनली, इसका मतलब अगर ब्रेन का ही टोटल पावर कम हो गया तो दोस्तों ब्रेन का कॉन्सेंट्रेशन पावर भी कम हुआ, ब्रेन के इंटेलिजेंस भी कम हुआ, ब्रेन का स्टैमिना भी कम हुआ, ब्रेन का मेमोरी भी कम हुआ। इसका मतलब आपका कान 6 घंटे तक भी लेक्चर सुन सकता है लेकिन आपका ब्रेन 6 घंटे तक लेक्चर से मैटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। आपका आंख अभी भी ठीक है तो 6 घंटे भी पीपीटी देख सकते लेकिन ब्रेन और एक्सट्रैक्ट वहां से नहीं कर पाएगा। तो आप चुपचाप बैठे बैठे देखोगे, काम का कुछ नहीं होगा, बैठ के सुनोगे समझ में कुछ नहीं आएगा, कॉन्सेंट्रेशन इज फिनिश्ड। Why the concentration is finished? किस कारण से concentration? Brain का damage, brain का aging. आया आपको example समझ में? Because brain is a very very intellectual smart organ. बाजू का टुंग टुंग भी आपसे नहीं लिखवा रहा है, आपका उंगली में टुंग टुंग नहीं चल रहा है, अब आती क्या खंडाला भी आपके वहां पे नहीं चल रहा है, सिर्फ वो मैटर चल रहा है। इसका मतलब this is called the power of the brain, concentration. कि it knows कान सब sound लेके आया but brain ने वहां से really extract निकाला, काम का extract. तो brain, आपका कान अभी भी 6 घंटा लेक्चर लेके आ सकता है, आपके कान 6 घंटा सुन सकता है, आप 6 घंटा देख सकते हैं। ब्रेन के पास स्टैमिना साल बाय साल कम होता है, जो 20 साल पहले आप 3 घंटा लेक्चर सुन सकते थे, 15 साल बाद आप ओनली 1.5 घंटा सुन सकते हो, और 15 साल 1 घंटा बाद 21 घंटा सुन सकते हो। सुन तो आप सकते हो 3 घंटा बट ब्रेन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, दैट्स कॉल्ड एजिंग ऑफ द ब्रेन। अगर हमने पैनक जिंगसेंग देखे, ब्रेन का एजिंग को थोड़ा कम किया और ब्रेन का जवानी यंगिंग
थोड़ा सा बढ़ाएं, फ्रेजाइल कम किया, एजाइल ज्यादा किया। फ्रेजाइल मतलब टूटने वाला, दिखा होगा ना, फ्रेजाइल आइटम मतलब टूटने वाला आइटम होता है ना, कुछ ग्लास होता है ना वेरी हाईली फ्रेजाइल, टूटने वाला, फ्रेजाइल है टूटने वाला, एजाइल है ना टूट के जवान भागने चीजने वाला। तो अगर ब्रेन की एजिलिटी हमने बढ़ाई, फ्रेजिलिटी कम किया, तो कैसा होगा? एक घंटे की जगह डेढ़ घंटा तो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा ना आदमी, जो 50 साल में, जो 40 साल में वो आपको ब्रेन में कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, 40 साल के 50 साल में कम होगा, तो 10 साल तो और यंग काम कर सकते हो ना। आपका जॉब में भी सक्सेस करोगे, आपके बिजनेस में, आपका नेटवर्क में, आपके फैमिली में भी सक्सेस करोगे। ऑटोमेटिकली अ यंगर ब्रेन विल हेल्प यू टू राइट मोर, हेल्प यू टू वर्क मोर, क्योंकि आपका हाथ उतना ही लिखेगा जितना आपका ब्रेन लिखवाएगा। आप सोचते ना, मेरा हाथ, मेरा उंगली जो चलता है ना स्पीड में, खतरनाक मेरा उंगली चलता है, ये आपका उंगली चल रहा है बट चलाने वाला ब्रेन है, खतरनाक आपका ब्रेन चलता है, उसके वजह से खतरनाक आपका उंगली चलता है, मतलब आपका नर्वस सिस्टम खतरनाक चलता है बोल के आपका उंगली भी ऐसे ऐसे फटाफट चल रहा है। नर्वस सिस्टम वीक चलेगा, ऑटोमेटिकली उंगली ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, वो वीक टायर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये टायर्ड हो गया, कहां से लिखेगा? याद रखिए, कान से सुनने के बाद हाथ में नहीं जाता है, कान से सुनने के बाद ब्रेन में फिल्टर होके एक्सट्रैक्शन होने जाता है, फाइनल मैटर हाथ में जाता है और वो लिखता है, वो भी पैटर्न वाइज, दिस इज द फुल प्रोसेस। That's why आज तक कभी भी आपने हॉल रूम के बाहर गाना बजना या टूंग टूंग नहीं लिखा है, सिर्फ मैटर को लिखा है आपने, लिखा बिकॉज आपके ब्रेन ने पूरा चीज सुनने के बाद, देखने के बाद लिखा है। सपोज ऐसे सोचिए, उस मीटिंग के टाइम कोई एक आदमी उठ के ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगा, है ना, हमने उसको बैठा दिया, कोई आदमी बात करने लगा, डिस्टर्ब करने वाला, हमने उसको बैठा दिया, क्या वो चीज को आप कॉपी में लिखते हो? नहीं लिखते हो ना, देखा तो आंखों ने सब कुछ है, वो आदमी डिस्टर्ब कर वो भी आंखों ने देखा, वो आदमी चिल्ला रहा था वो भी आंखों में देखा, वो आदमी खड़ा होके दारू भरू पी के नाचने लगा वो भी आपने देखा, आपने लिखा क्यों नहीं? क्योंकि ब्रेन ने सब कुछ देखा, कैमरा, अपने कैमरा, आंखों ने सब कुछ देखा, सब कुछ ब्रेन को भेजा, वहां से एक्सट्रैक्ट किया ओनली मैटर को जो जरूरत है। तो ब्रेन का जो एक्सट्रैक्शन पावर है ना, एक्सट्रैक्शन विल लीड टू कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन विल लीड टू एक्सट्रैक्शन, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा एक्सट्रैक्शन भी कम हो जाएगा उम्र के साथ साथ, दिस इज द एजिंग ऑफ द ब्रेन। पैनक्स जिंसेंग अगर आदमी खाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका कॉन्सेंट्रेटिंग पावर ज्यादा रहेगा तो एक्सट्रैक्शन पावर ज्यादा रहेगा, ही कैन वर्क मोर मोर अमाउंट ऑफ टाइम, ही कैन कॉन्सेंट्रेट मोर, हिज मेमोरी विल बी मोर, ही विल बी मोर एजाइल, लेस फ्रेजाइल ऑन हिज ब्रेन। सो मैंने इसलिए बोला कि स्ट्रेस तो कम नहीं हो सकता बाहर से, बट स्ट्रेस का इफेक्ट जरूर कम हो सकता है, इसलिए पैनक्स जिंसेंग को हाईली मैं इंडिकेट करता हूँ। क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं, पैनक्स जिंसेंग तो सर स्ट्रेस कम करने का प्रोडक्ट है, जैसे किसी को नींद नहीं आता है, प्रॉब्लम होता है टेंशन वाला, उसके लिए सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, तो सर क्यों पैनक्स जिंसेंग एंटी एजिंग है? क्योंकि आपको पता है पैनक्स जिंसेंग ब्रेन का वाइटामिन, मैं हमेशा ऐसे बोलते रहा, तो ब्रेन वाइटामिन, ब्रेन वाइटामिन, तो ब्रेन द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस में जवान बॉस हो, एम्प्लॉय जवान तरीके से काम करेगा, बुढ़ा भी हो तो, और हेड ऑफिस में बुढ़ा बॉस हो, जवान एम्प्लॉय भी बुढ़ा ऐसा काम करेगा, राइट? लेकिन अगर एक बुढ़ा बॉस भी अभी भी जवान जैसा हो, एक बॉस बुढ़ा हो गया बट अभी भी जवान जैसा हो, अभी भी जोशीला जैसा हो, तो उसका बुढ़ा एम्प्लॉय हो या जवान एम्प्लॉय हो, जवान जैसा काम करेगा, क्योंकि काम कराने वाला अभी भी जोशीला है भाई, काम करने वाला जोशीला होना ही होना है, ऑटोमेटिकली होना है, बिकॉज द सिग्नल्स आर गोइंग जोशीला, है ना, तो ही हैज टू बी जोशीला, that is very very important thing. अब तीसरा में आते हैं, क्योंकि मैं इसलिए क्यों, मैं पहले 3-3 घंटा जूम में देता था आपको, अब मैं 1-1 घंटे देता हूँ। मैं एक चीज समझता हूँ, जब हम फिजिकल मीटिंग करते हैं ना, when you do physical meeting, आदमी 3 घंटे भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जब हम ऑनलाइन करते 1-1.5 घंटे के ज्यादा कॉन्सेंट्रेट आदमी नहीं कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर ऐसा ही फील होता है, ऐसा क्यों? आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। यू सी वॉट यू आर सींग नाउ, वॉट यू आर सींग मी नाउ और हियरिंग मी नाउ, इट इज कमिंग थ्रू अ मीडियम, सो देर इज इंटरमीडिएट, दैट इंटरमीडिएट एक्चुअली डिस्टर्ब, इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस, बिकॉज एनर्जी ट्रांसफर, जो सामने टू सामने एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, स्क्रीन में कभी भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए कल मैंने आप लोगों के साथ एक मजाक किया था, अभी तो लगता है शादी भी जूम में होगा, हनीमून भी जूम में होगा। शादी तो जूम में समझ में आ रहा है, मंत्र शंत्र ओम नमः शिवाय ओम शिवाय इधर बोल देगा, हनीमून कैसे मनाएगा जूम में, वही नहीं समझ में आ रहा है। अब तो लगता है वही होने वाला है हिंदुस्तान में कुछ टाइम बाद, ये जूम 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 जैसे चल रहे हैं, तो मैंने ऐसा वाला कहानी हो गया, तो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज जो एनर्जी ट्रांसफर फेस टू फेस होता है, राइट, बिल्कुल अमित जी, शादी तो फिर भी समझ में आ गया, वहां से मंत्र पढ़ा, यहाँ से मंत्र पढ़ा, हनीमून कहाँ से मनाएगा ये कैमरा के थ्रू? मुझे तो नहीं लगता कोई पॉसिबल है, साइबर हनीमून, मैंने ऐसा कुछ नया आएगा, साइबर हनीमून ऐसा वाला ट्रेंड शुरू हो जाएगा शायद।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज वाई द कॉन्सेंट्रेशन पावर विल बी लो बिकॉज देर इज अ मीडियम व्हिच विल क्रिएट द डिस्टर्बेंस ऑटोमेटिकली. सो इट मीन्स एंटी एजिंग ऑफ द ब्रेन इज द एंटी एजिंग ऑफ द बॉडी ऑल्सो. एंड पैनक्स जिंसेंग हमारा नंबर वन प्रोडक्ट है. अब तीसरा प्रोडक्ट में आते हैं क्योंकि मैं अब 10 मिनट बोल के खत्म करूंगा फिर मनोज सर को मैं दे दूंगा. कंटिन्यू होगा तो कल कंटिन्यू करेंगे अगर और डिटेल्स में आपको सुनना है तो. तीसरा मैंने अल्कलाइन के बारे में लिखा था, आपने मेरा पोस्ट पढ़ा था एसिडिक एंड अल्कलाइन के बारे में. यूसी आपको लास्ट मेरा 4-5 क्लास से यही मैं बता रहा हूँ कि एसिडिक चीज क्या क्या डैमेज करता है. एसिडिक इज आवर एंटी मैंने की एंटी आवर ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर के खिलाफ वाला काम करता है और अल्कलाइन बॉडी के तरफ वाला काम करता है. सो अगर हमने अल्कलाइन कुछ अल्कलाइन वाटर बॉटल से पानी पिया, लोगों ने पानी पीना शुरू किया सोचिए, सो होगा क्या, बॉडी का अल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोमोट किया जाएगा, प्रोमोट होगा और एसिडिक एनवायरनमेंट को कम किया जाएगा. सो बॉडी चाहता है अल्कलाइन रहना क्योंकि हजारों साल से ऐसे रहता है, हजारों साल ऐसे रहना चाहिए. शरीर को जरूरत है अल्कलाइन एनवायरनमेंट बट सब सिचुएशन के वजह से बन रहा है एसिडिक. सो इट इज गेटिंग इट इज गोइंग अगेंस्ट आवर बॉडी. सो अगर हम लोग अल्कलाइन एनवायरनमेंट को बॉडी में प्रोमोट कर सकते तो बीमारी ऑटोमेटिकली कम प्रोमोट होगा, बीमारी कम प्रोमोट होगा, एजिंग कम प्रोमोट होगा. सो वी आर एक्चुअली इनडायरेक्टली डूइंग एंटी एजिंग, इट वी आर प्रोमोटिंग एंटी एजिंग. इस बात को समझिए. सो इट्स वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट विल द अल्कलाइन व्हाट में क्यों लिखा है एसिडिक के बारे में लिखा था मैं वहां पे. आपको पता है वो मेरा न्यूट्रल चैनल है, मैं वहां पे कोई प्रोडक्ट को नहीं लिखता हूं क्योंकि वरना दूसरा वाला सोचेगा IMLM FMLM है तो लोग इंटरेस्ट खोएंगे, खराब भी सोच सकते हैं. इसलिए मैं देखिए वहां पे सिर्फ न्यूट्रल पोस्ट लिखता हूं मेरे टेलीग्राम चैनल में. सो इसका मतलब क्या हुआ एसिडिक, वहां पे अच्छे से आपने दिखा है एसिडिक के बारे में, मैंने कल भी लिखा था एसिडिक बीपी उठाता है राइट, एसिडिक आर्थराइटिस उठाता है वो भी मैंने लिखा था, एसिडिक कैंसर सेल्स को प्रमोट करता है. तो इसका मतलब एसिडिटी एसिडिक एनवायरनमेंट इज एक्चुअली प्रमोटिंग एजिंग एंड अल्कलाइन एनवायरनमेंट इज प्रमोटिंग एंटी एजिंग. तो भाई कौन सा वाला एनवायरनमेंट रखना चाहोगे, एजिंग एजिंग वाला एंटी एजिंग वाला? सर एंटी एजिंग वाला, एंटी एजिंग वाला एनवायरनमेंट रखना चाहते हो तो बॉडी के अंदर का जो लिक्विड एनवायरनमेंट है उसको पहले एंटी एजिंग करो क्योंकि 70% ऑफ द बॉडी इज अ लिक्विड राइट, लिक्विडिटी में चल रहा है. सो इट का मतलब आपका ब्लड है ना, ब्लड का 70% इज द लिक्विड वाटर, बोलते ना खून खून, तो खून इज 70% खून आपका पानी होता है, इट्स द वाटर, 70% ऑफ द ब्लड इज वाटर. सो इफ इट्स अल्कलाइन एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हो वे अल्कलाइन एनवायरनमेंट जा रहे हैं, ऑर्गन्स का मीडियम भी अल्कलाइन रह रहे हैं, जो भी मिल रहा है अल्कलाइन मीडियम में मिल रहे हैं. मतलब ऐसा सोचिए कि आपको खाने में कोई भी खाने में आपको मिर्ची कम पसंद है, आपको मिर्ची ज्यादा पसंद नहीं है राइट, और आपको लेस ऑयली कम ऑयली ज्यादा पसंद है. आप सोचिए कि आपको खाने में मिर्ची यू नो मिर्ची मतलब मसाला, मिर्ची कम पसंद है और बॉयल्ड ज्यादा पसंद है. तो आप कोई भी खाना में चाहे वो दाल हो, चिकन करी हो, पनीर करी हो, मशरूम करी हो, भाजी हो, उसमें अगर मिर्ची कम रहेगा आप अच्छे से खा पाओगे, मिर्ची ज्यादा रहेगा आप कम खा पाओगे बिकॉज आपको बॉयल्ड टाइप का हल्का खाना पसंद है, मिर्ची कम है. तो अगर वो मिर्ची चिकन में भी डाला जाए तो भी आपके लिए प्रॉब्लम, दाल में डाला जाए तो भी आपके लिए प्रॉब्लम, पनीर में डाला जाए तो भी आपके लिए प्रॉब्लम, आलू भाजी में डाला जाए तो भी आपके लिए प्रॉब्लम, बिरयानी बनाने के टाइम डाला जाए तो भी आपके लिए प्रॉब्लम. क्योंकि खाना बिरयानी आप खा नहीं पा रहे हो, मिर्ची वाला सादा वाला बहुत खा पा रहे हो, मतलब प्रॉब्लम बिरयानी में नहीं है या आप में भी नहीं, प्रॉब्लम उस मिर्ची में, उस मिर्ची को हटा के सादा बनाओ खा आप मजे में लोगे. दाल में प्रॉब्लम नहीं, वही मसूर डालें वही बॉयल किया होगा मिर्ची प्रॉब्लम, मिर्ची हटा के सादा चीज डालो ऑटोमेटिक यू विल लाइक इट. सो इसका मतलब क्या सोचियो, मिर्ची एसिडिक चीज, एसिडिक एनवायरनमेंट इज अ मिर्ची, अल्कलाइन एनवायरनमेंट इज द बॉइल्ड मतलब ऑर्गेनिक टाइप एनवायरनमेंट खाने का. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसिडिक इज प्रोमोटिंग एजिंग, अल्कलाइन इज प्रोमोटिंग एंटी एजिंग. आदमी कौन सा वाला एनवायरनमेंट रखना पसंद करेगा, अल्कलाइन. सो ऑटोमेटिकली अल्कलाइन एनवायरनमेंट रखने के लिए वन ऑफ द मेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट आवर अल्कलाइन बॉटल बिकॉज पानी जो आप पी रहे ब्लड में जो पानी सर्कुलेट होगा वो अल्कलाइन होगा. आप बोलते हैं अल्कलाइन वाटर जाता कहाँ पे, बॉडी में जाता फिर जाता कहाँ है, ब्लड में. तो ब्लड में जो वाटर सर्कुलेट होगा इट विल बी अल्कलाइन. सो और ब्लड शरीर के ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है. सो द ऑल ऑर्गन्स ऑल द सेल्स ऑल द टिश्यूज ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी विल रिसीव अ अल्कलाइन मीडियम, ऑटोमेटिकली ऑल द सिस्टम्स विल बिकम अल्कलाइन. हिंस ऑल द सिस्टम्स विल बी गोइंग टुवर्ड्स एंटी एजिंग नॉट टुवर्ड्स एजिंग. एंटी एजिंग दिस इज द कोर साइंस. मैं इतने शॉर्ट में बता रहा हूँ,
कल मैं तोड़ तोड़ के चीज को डिटेल्स बता सकता हूँ, बिकॉज एसिडिक आपको मैंने बहुत बार बोला है, अल्कलाइन बोला है, चार पांच क्लासेस में सुना है, एजिंग के ऊपर बहुत बार सुना है, ब्रेन के ऊपर सुना है, इसलिए शॉर्ट में बोल रहा हूँ। अगर आपको डिटेल्स में चाहिए सर इसके ऊपर एक एक दिन बोलिए वो भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथा आउटसाइड, अब आउटसाइड में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सर क्रीम कौन सा लगाए, कौन सा क्रीम लगाना ठीक हो, कौन सा ब्रांड ठीक होगा। देखिए मैं उतना क्रीम लगाता भी खुद नहीं हूँ, पहले बिल्कुल भी नहीं लगाता था, बट डेफिनेटली कोई एक प्रोडक्ट है ओरियंस का जिसको मैं सिर्फ एक ही कॉस्मेटिक्स है ओरियंस का जिसको मैं ओपनली बोलता हूँ कि मैं यूज करता हूँ, बाकी मैं नहीं यूज करता हूँ। ओरियंस में बहुत सारा कॉस्मेटिक्स है, आप जानते हैं आप यूज करते हैं, मैं कभी भी कोई भी कॉस्मेटिक्स पहले से ही नहीं यूज करता अपने लाइफ में, ओरियंस का भी कोई कॉस्मेटिक्स नहीं यूज किया, सिर्फ एक ही यूज किया और आज भी मैं यूज करता हूँ, और जो लीडर्स मेरे साथ कभी ट्रैवल किए वो जानते हैं, ओनली वन आई यूज एंड ओनली वन आई विल बी यूजिंग। आई डिडंट फाइंड एनीवेयर एनी साइंस एनी हिंदुस्तान में किसी भी के पास भी इतना नॉर्मल दाम में मुझे ऐसा साइंस नहीं मिला जो ऐसा रिजल्ट दे सकता है। स्किन रिजुवेनेटिंग लोशन, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे लिखा हूँ। मैं उसका डिटेल्स साइंटिफिक तो नहीं लिख पाया हूँ, गिव मी 3-4 डेज टाइम, मैं डेफिनेटली लिख के दूंगा, और चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर ट्रेनिंग भी दूंगा, बट इतना बोल सकता हूँ आई एम द बिगेस्ट टेस्टिमोनी ऑफ दैट, बिकॉज स्किन रिजुवेनेटिंग लोशन को मैं डायरेक्टली एक ही शब्द में बोलता हूँ, प्लीज इसको आप एक कॉस्मेटिक मत समझिए, इसको एक स्किन का सप्लीमेंट समझिए जो खाने वाला नहीं लगाने वाला है। तो मैं इतने इसलिए बोलता हूँ इट इज नॉट ए कॉस्मेटिक्स, इट्स अ सप्लीमेंट व्हिच एप्लीकेबल सप्लीमेंट ईटेबल नहीं, कुछ ऐसे ही सोचो, एप्लीकेबल न्यूट्रोसिटिकल है, बिकॉज हमारा स्किन रिजुवेनेटिंग लोशन इज एक्चुअली अ हीलर, इट इज नॉट ए ब्यूटीफायर, इट्स अ हीलर। ब्यूटीफायर मतलब लगाया तो ब्यूटीफुल लगा लेकिन हील नहीं हुआ, स्किन रिजुवेनेटिंग लोशन हीलिंग करता है। तब बोलेंगे सर क्या हीलिंग करता है, it has got two functions, of course anti aging function and detoxify function है। If अगर आपका कहीं पे दांत फाग ऐसे लगा, दांत फाग ऐसा है, pimples के marks है, मेरे pimples के marks का problem था, that's why I started using, आज तक वो गया नहीं है लेकिन उसका इफेक्ट बहुत लेवल तक कम हुआ है, वो जाएगा कभी भी लाइफ में नहीं, क्योंकि छोटे में लेवल में जिसको pimples का marks आता है उसको लाइफ टाइम रहते हैं, बट उसका जो इंटेंसिटी वो जरूर मेरे में कम हुआ है। सो अगर मुझे कोई पहले इतना दूर से भी देख सकता था कि पिंपल्स मार्क्स है तो ये बहुत पास आना होगा पिंपल्स मार्क्स देखने के लिए, मैं बहुत पास से समझ पाएगा, दूर से नहीं समझ पाएगा, मतलब इसने एटलीस्ट पिंपल्स का मार्क्स का जो इंटेंसिटी है वो तो कम किया, दिस इज द रिजल्ट इनसाइड में। मैं कभी नहीं बोलता हूँ ये फेयरनेस बढ़ा देगा, आपको गोरा बना देगा, आपको ये सब बना देगा, मैं कभी नहीं बोल सकता, आपका रंग चेंज करा देगा, आपको रूप चेंज करा देगा, नहीं, लेकिन रंग रूप को चलाने वाला स्किन के जो सेल्स है उसको जरूर हील करता है। So it is a healer, it's a nutraceutical. अब ऐसे ही सोचो, it's not a cosmetics. इसलिए मैं कभी भी cosmetics के ऊपर बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं इस प्रोडक्ट को हमेशा यूज करता हूँ ओपनली सेमिनार में, कभी कभी 500 लोग 700 लोग बैठे हैं तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को यूज करता हूँ और मेरे वजह से बहुत सारे टॉप लीडर्स भी यूज करते, बहुत लोगों के अंदर रिजल्ट है। मैं और कोई कॉस्मेटिक्स नहीं यूज करता दुनिया में, सिर्फ इसको यूज करता हूँ, ऑरेंज का भी और कुछ नहीं यूज करता, सिर्फ ये यूज करता हूँ। आपको विश्वास है तो यूज कीजिए, यूज करके देखिए। हाँ, जिन्होंने यूज किया दे गॉट द रिजल्ट, स्किन में बहुत साल का दाग वो ठीक हुआ, स्किन में मैंने, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये लेने के बाद आप चमक जाओगे, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन चमक कम करने वाला चीजों को ये कम कर सकता है। मैं ये मुंह पे नहीं बोल सकता आपको कि चमक बढ़ाने वाला चीज को बढ़ा देगा, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपका चमक कम करने वाला चीजों को कम कर सकता है। तो कुछ तो बहुत बड़ा इफेक्ट आपके लिए किया ना, समथिंग विच स्पॉइल्स योर ब्यूटी इट कैन डेफिनेटली रिड्यूस दैट थिंग, इट कैन ये इट दिस प्रोडक्ट स्किन रिजुवेनेटिंग लोशन कैन इंक्रीज योर ब्यूटी, मैं ये बोलूंगा नहीं स्क्रीन में क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं ये बोलना भी नहीं चाहता हूँ, राइट, बट मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि द थिंग्स विच आर स्पॉइलिंग योर ब्यूटी ऑन योर फेस, ऑन योर नेक, ऑन योर रिस्ट, मैं तीन ही जगह यूज करता हूँ, मैं कहीं पर नहीं यूज करता हूँ, जो जो चीज आपके ब्यूटी को रिड्यूस करता है उसको ये रिड्यूस कर सकता है, आपकी ब्यूटी को बढ़ा सकता है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ। डिसीजन आपको आप यूज करेंगे नहीं करेंगे वो आपके ऊपर है, मतलब इट्स पर्सनल चॉइस, कॉस्मेटिक्स एक बहुत ही पर्सनल चॉइसेबल मैटर होता है, किसी किसी को ये ब्रांड पसंद है, किसी को वो ब्रांड पसंद है, आप मुझे बोलते हैं सर कौन सा ब्रांड अच्छा है, सब ब्रांड अच्छे हैं, अगर मुझे कोई पूछता है सर कौन सा ब्रांड अच्छा है, सब ब्रांड अच्छे हैं, इससे बेटर कोई साइंस होगा तो अच्छा है, लेकिन आज के दिन में दिस इज ऑन द बेस्ट साइंस, दिस इज आई कैन टेल यू ये ब्यूटी बढ़ाता है कि नहीं ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ब्यूटी कम करने वाले चीजों को जरूर कम करता है। सो इट इज एंटी डैमेज, इट्स अ ब्यूटीफायर आई कैन नॉट टेल, but it is definitely a detoxifier, I can tell, it is a damage preventer, I can tell, it is a damage damager, I can tell, damage ko damage karne wala ye hai, damage ko kam karne wala hai, toxic detoxify karne wala bhi hai, beautifier hai ki karne wala, lekin main nahi bol sakta kyunki beauty ka alag alag definition, kisi ko skin zyada tan tan hoga to beauty hai,
उसके लिए ब्यूटीफुल हो सकते हैं. एवरीवन हैज देयर ओन डेफिनेशन. किसी को गोरा चमड़ी मतलब ज्यादा ब्यूटी है, किसी को सांवला ज्यादा ब्यूटी है, किसी का आंख बड़े बड़े है तो ब्यूटी है, किसी का आंख चिंकी चिंकी है तो वो उसके लिए ब्यूटी है. तो एवरीबॉडी हैज अ ओन डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी, वी कैन नॉट जनरलाइज इट. सो सबकी, लेकिन देयर इज अ डेफिनेटली साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ द एंटी ब्यूटी मीन्स डैमेज, दैट इज टॉक्सिन्स. वो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है. वन इज एक्चुअली यू नो एक्जेमा, डर्माटाइटिस, ऑल जो मुंह में एलर्जीज टाइप का है वो है. पिंपल के दाग वो एक मेडिकली प्रूफ टॉपिक है. इट इज एंटी ब्यूटी. ब्यूटी बहुत वास्ट है, मैं बोल नहीं सकता, आप भी बोल नहीं सकते. ब्यूटी का अलग अलग डेफिनेशन है. बट एंटी ब्यूटी, पिंपल्स के मार्क ब्यूटी कम करते हो सबको पता है, मुंह में दांत कम करते हैं अब सबको पता है, मुंह में टॉक्सिन्स लगा होगा, हाथ में लगा होगा, वो ब्यूटी कम करता है सबको पता है. सो ब्यूटी रिड्यूसर को रिड्यूस जरूर करते हैं. बस ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. अगर आप कोई और भी क्रीम यूज करते हैं जिसके वजह से आपके ब्यूटी बढ़ाने का क्रीम यूज करते हैं उसको जरूर कीजिए. लेकिन ब्यूटी घटाने वाला चीजों को घटाना है तो स्किन रिज्यूमेटिंग लोशन यूज कीजिए. इट इज ऑल्सो अ वेरी बिग एंटी एजिंग. ये मेरे तरफ से इतना ही बोलना था. ये मेरा व्यू है, फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैंने आपको शेयर किया. आपका अपना अपना पर्सनल व्यू हो सकता है. एवरीबॉडी हैज द ओन डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी. मैंने बोला ना, किसी को पूछेंगे खूबसूरत आंख क्या होते हैं, कोई बोलेगा बड़े बड़े आंख खूबसूरत होते हैं, कोई बोलेगा छोटे छोटे आंख खूबसूरत होते हैं, कोई बोलेगा ऐसा खींचे आंख खूबसूरत होते हैं. एवरीवन हैव देयर ओन डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज वेरी डाइवर्स. ह्यूमन बीइंग इज अ डाइवर्स एनिमल. हम बोलते हैं हम एक एनिमल है, सोशल एनिमल. ह्यूमन बीइंग इज अ डाइवर्स एनिमल. सिर्फ ह्यूमन बीइंग में होता है. दुनिया में कितने टाइप के टाइगर है, चार पांच टाइप के, कितने टाइप के हाथी है, दो तीन टाइप का, फिर भी सिमिलर है. बट ह्यूमन बींग हर कोई डिफरेंट है. दिस इज आवर स्पेशलिटी. सो ब्यूटी का भी बहुत ही डिफरेंट डेफिनेशन हो सकते हैं. लेकिन एंटी ब्यूटी साइंटिफिकली कुछ फिक्स्ड डेफिनेशन है, मैंने वही आपको बोला. राइट, सो थैंक यू सो मच. मेरे तरफ से इतना ही था. आई होप कि आपके काम का कुछ होगा. मैं काम का ही बोलने का कोशिश करता हूँ. उसको काम पे आपको लगाना है तो ऑटोमेटिकली काम का होगा, इसलिए तो आप आते हैं. सो आप कुछ एसेंशियल कुछ राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिला जो आप राइट ट्रैक में यूज करें, then definitely it will give you good result. And thank you so much for all your cooperation. आज का ये टॉपिक था. ओके, नेक्स्ट दो तीन में इसको हम इलैबोरेट करके बोल सकते हैं. मैं पोस्ट डालने का कोशिश करूंगा, रिसर्च आर्टिकल, कुछ इमेजेस डालने का भी कोशिश करूंगा. राइट, ओके सर, इफ पॉसिबल प्लीज डिस्कस ओनली सप्लीमेंट. ओके, नो प्रॉब्लम. सो एक चीज कर सकता हूँ मैं. देखिए, मुझे खुद पता नहीं होता किस दिन न्यू लीडर ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्टली मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होता है. एक आपको, आप लोगों के लिए एक चीज बोल सकता हूँ कि आप में से जिसको भी, सपोज इस दिन मॉर्निंग में न्यू लीडर्स आर ज्वाइनिंग, आप एक दिन पहले प्लीज मनोज सर को बोल दीजिए, या कोई भी हमारे मार्केटिंग सर को बोल दीजिए. बट मनोज सर को बोल सकते हैं बेटर, मनोज सर मुझे बता देंगे. हमारे मार्केटिंग मैनेजर सर मनोज सर को बोल दीजिएगा कि परसों डॉक्टर सर को बोल दीजिए न्यूट्रोसिटिकल के बारे में पर्टिकुलरली, मतलब सप्लीमेंट न्यूट्रोसिटिकल पर्टिकुलर वो ट्रेनिंग दें, क्योंकि हमारे मे बी 30 न्यू लोग ज्वाइनिंग हो रहे हैं. सो आउट ऑफ 130-150 पीपल 50 आर न्यू. आई विल गिव अ प्योरली सिर्फ सप्लीमेंट ट्रेनिंग. मैं टॉपिक ट्रेनिंग नहीं दूंगा, मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग दूंगा. और जब न्यू लोग नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीडर्स है, तो मैं टॉपिक ट्रेनिंग दूंगा. तो आप काइंडली मनोज सर से कोऑर्डिनेट कीजिए, मनोज सर को इन्फॉर्म कर दीजिए. आपको परसों चाहे परसों, कल चाहे कल, सर तीन दिन बाद मेरे इतना लीडर्स ज्वाइन करेंगे, एब्सोल्युटली करिएगा. कभी सर रनिंग के साथ एंटी एजिंग डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली गिव, क्योंकि इस इंटरेस्टिंग टॉपिक, घर में बैठे बैठे लॉकडाउन में कोई रनिंग जॉगिंग वर्किंग नहीं हुआ, राइट, सिर्फ एजिंग हुआ, विल डिस्कस दिस टॉपिक. एक दिन में एक ही डिस्कस कर सकता हूँ. सो इफ यू रिक्वायर ओनली प्रोडक्ट ट्रेनिंग, सप्लीमेंट ट्रेनिंग, प्लीज मनोज सर को इन्फॉर्म कर दीजिए एटलीस्ट एक दिन पहले. मैंने ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीटिंग शुरू हुआ 11:15 को, मेरा 11 बजे से हमारा मार्केटिंग से शुरू करते, और आप 11:30 बजे बोल रहे हैं सर आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग होना चाहिए. मैं तो ऑलरेडी कोई टॉपिक शुरू कर चुका हूँ. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी देन. तो एटलीस्ट आप 10:30 बजे तक बोल के रखिए, 11:45 तक भी बोल के रखिए, ताकि मनोज सर को बोलेंगे, मनोज सर रिस्पेक्टेबल जो मार्केटिंग मैनेजर होगा उस दिन उनको बोल के रखेगा, सर खुद होंगे तो भी मुझे बोल के रखेंगे. सो आई विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली. राइट, थैंक यू सो मच. आई पास ओवर टू मनोज सर. मैं मनोज सर को पास करता हूँ. मनोज सर थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर, वाज अ ग्रेट सेशन. मतलब आपने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लिया है, और मतलब और एक नया आपको अपॉर्चुनिटी मिला है कि अगर आपके टीम में कोई सप्लीमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डॉक्टर सर सप्लीमेंट्स के बारे में बोलिए. मतलब आजकल अच्छी वी कीप डूइंग द सेम टाइप ऑफ मीटिंग्स, बोर हो जाते हैं थोड़ा दिन के बारे में, तो इसलिए हम अभी स्पेशल टॉपिक्स में गए थे. अगर आप फिर से वो सप्लीमेंट्स के बारे में चाहते हैं तो जरूर आप मुझे बता दीजिए. हम मतलब मैं डॉक्टर सर को बोल के
हम आपको अरेंज कर देंगे। और जैसे कि सर ने बोला था, आपको मिनिमम एक दिन के पहले आप बता दो कि आपके टीम में इतना नए लोग आने वाले हैं, मतलब इतना नए लोग ज्वाइन हुए हैं जो सब प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्या यूजर्स है, क्या बेनिफिट्स है, ये यूज करने से कितना लोगों को ऑलरेडी रिजल्ट मिला है, ये सब आप देख सकते हो। अभी भी 10-15 मिनट में पहले मुझे एक कॉल आया था, कोई पेशेंट था, सोरियासिस के पेशेंट मलेशिया में, उनको ठीक हो गया। अभी थोड़ा देर में मुझे फोटो भी भेजने वाले हैं, अगर हुआ तो शाम के 6 बजे के प्रोग्राम में आपको मैं दिखा दूंगा। और सप्लीमेंट्स आपको जरूर लर्न करना ही है, तो अगर आपके टीम में बहुत सारे लोग जो लोग लर्न करना चाहते हैं, ऐसे लोग आते हैं, तो जरूर यहाँ पे आपके लिए मीटिंग करने के लिए तो हम सब लोग हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम टुडे। मिलते हैं 6 बजे के प्रोग्राम में। विजय जी मेरे सर आज के गेस्ट हैं, तो हैव ए गुड डे एंड हैव ए ग्रेट वीकेंड। और वी ऑलरेडी नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो चुका है, हमें तो मंडे से वीक स्टार्ट नहीं होता है, फ्राइडे से होता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टडी क्लोजिंग हो चुका है, तो आज इट्स फ्राइडे, तो वी ऑलरेडी स्टार्टेड। और ऊपर से शायद सबके पास मेरा नंबर है करके मैं सोच रहा हूँ, अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो मैं आपके लिए टाइप कर रहा हूँ, अगर आपको वो मीटिंग के बारे में मुझे कुछ बोलना है तो यू कैन हैव इट, ये मेरा नंबर है। मेरा नाम मनोज राजकुमार है, आई एम मार्केटिंग हेड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम टुडे, होप ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू, मीट यू इन द इवनिंग, बाय बाय।